हेलो ऑफिसर्स, अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो IDBI असिस्टेंट मैनेजर का मॉक हुआ है, आप सबने दिया होगा, आपने अब सबके अपने अपने स्कोर इवैल्यूएट भी कर लिए होंगे। वहां से आपको पता चला होगा कि कहां पर हमें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, कौन से एरियाज हमारे स्ट्रांग है, कौन से एरियाज वीक हैं। हम यहाँ पर इस सेशन में रीजनिंग में क्या बेहतर अप्रोच हो सकता था ये देखेंगे, ताकि हम रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाए ये हम थोड़ा सा इसमें जानते हैं। रीजनिंग में हमें कितने क्वेश्चंस मिलने वाले? 50 क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? 50 क्वेश्चंस में मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे। मिसलेनियस में क्या क्या आता है? हमारे सारे चैप्टर्स, अल्फाबेट्स वाले चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे मिसलेनियस में हम कंसिडर करते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया पेपर का, मिसलेनियस। और दूसरा जो मेजर पार्ट है वो है पजल्स। ओके, तो रीजनिंग के पेपर में पजल और मिसलेनियस मेजरली ये दो पार्ट्स रहते हैं। तो पेपर अगर मैं अटेम्प्ट खुद कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि पहले मिसलेनियस पार्ट अटेम्प्ट करा जाए, पहले पजल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि कब कोई पजल कौन सी कंडीशन में फंसा दे ये हमें पता नहीं चल सकता। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक, बाय चांस अगर हम किसी पजल में फंसते हैं तो इसका सारा इफेक्ट आगे होने वाले परफॉर्मेंस पे हो सकता है, और हो सकता है शायद हम अपना जितना बेहतर दे सकते थे उस एग्जाम में ना दे पाए। इसीलिए पजल को पहले बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और जो भी मिसलेनियस पार्ट है उसको सबसे पहले टैकल करना है। तो आज यहां पर डिस्कशन करते वक्त हम ऐसा ही करेंगे, जिस सिक्वेंस में क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे उसी सिक्वेंस में क्वेश्चन लेंगे, तुरंत डिसाइड करेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है या स्किप करना है, और अगर सॉल्व करना है तो तुरंत सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसको बाद में टैकल करेंगे। तो जैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए था हमें, उसी सीक्वेंस में हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलो। तो जैसे कि मैंने अभी कहा है, आपको क्या करना चाहिए था पेपर में, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डिसाइड करना है कि करना है क्वेश्चन या छोड़ना है। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना डिस्कशन चालू करते हैं। सर, पहला स्लाइड दिखाना प्लीज। देखो, पहले 1 से 5 तक क्वेश्चंस हमें किसके ऊपर थे? सिलॉजिज्म के ऊपर। अब सिलॉजिज्म तो हमें मतलब ऐसा नींद में भी आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हमारे सिलॉजिज्म पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको रिव्यू वगैरह में नहीं डालेंगे, तुरंत सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऑल शिप्स आर गोट्स, पहला स्टेटमेंट क्या दिया था हमें? ऑल शिप्स आर गोट्स, सारी की सारी शिप्स क्या है? गोट्स है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था हमें? नो कैमल इज शिप, नो कैमल इज शिप। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है हमें? ऑल कैमल्स आर डियर, ऑल कैमल्स जो है वो क्या है? ऑल कैमल्स आर डियर। ये हमारे स्टेटमेंट्स के हमने वेन डायग्राम बना ली। पहला कंक्लूजन हमें इवैल्यूएट करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या दिया है हमें यहां पर? सम डियर्स विच आर नॉट शिप मस्ट बी पार्ट ऑफ गोट्स। अब यहां पर इसमें 3 एंटिटीज आई है। अब तक हमने कैसे कंक्लूजन देखे हैं जिनमें सिर्फ 2 एंटिटीज मिला करती थी हमें? ओके, अब देखो, कोई भी नई चीज अगर हमें एग्जाम में मिलती है तो डरना नहीं है, बस उसका मतलब समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मतलब समझो, बाकी सारे प्रोसीजर्स हमने देखे हुए हैं। सम डियर्स विच आर नॉट शिप, मतलब क्या है? वो डियर जो शिप का हिस्सा नहीं है, वो डियर्स जो शिप का हिस्सा नहीं है, वो कंपलसरी किसका पार्ट होने चाहिए थे? गोट का पार्ट होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है? इस कंक्लूजन का मतलब ये है, वो डियर्स जो शिप का हिस्सा नहीं है, मतलब जो भी डियर्स शिप के बाहर होंगे वो कंपलसरी गोट के अंदर होना चाहिए था। ऐसा है क्या यहां पर? नहीं है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि यहां पर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल गोट्स बींग पार्ट ऑफ डियर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे गोट्स डियर में आ सकते हैं क्या? ये सारा का सारा गोट्स डियर के ये वाले पोर्शन में आ सकता है ना, यहां पे अंदर नहीं जा पाएगा, पर ये डियर का जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, ये जो बाहर का पोर्शन है और गोट का, हमें इस बाहर के पोर्शन और गोट का रिलेशन कुछ भी पता नहीं। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ओनली टू फॉलोज, जो कि है हमारे पास ऑप्शन बी में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगेन स्टेटमेंट्स वही है हमारे पास, ऑल शिप्स आर गोट्स, नो शिप इज कैमल, एंड देन
ऑल कैमल्स आर डियर्स, स्टेटमेंट हमारे पास वही है. कंक्लूजन चेक करते हैं. पहला कंक्लूजन क्या है हमारे पास? पहला कंक्लूजन है नो शिप इज डियर. नो शिप इज डियर, शिप का एक भी हिस्सा डियर में नहीं होना चाहिए. नो का कंक्लूजन है सम चेक करना था. सम सही हो सकता है यहां पर, तो ये नो वाला कंक्लूजन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए. ठीक है, ये तुरंत समझ में आना चाहिए. दूसरा, सम गोट्स आर नॉट शिप इज अ पॉसिबिलिटी. सम गोट्स आर नॉट शिप इज अ पॉसिबिलिटी, यानी गोट का कुछ हिस्सा शिप के बाहर आने का चांस है, ऐसा ये कहना चाह रहा था. यहां पर ऑलरेडी हमें डायग्राम में दिख रहा है, तो यहां पर भी दूसरा कंक्लूजन सही होना चाहिए था. सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी. ओके, यहां पर हमें सिलोजिज्म की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चंस जो है तुरंत सॉल्व होने चाहिए. ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम कैलकुलेटर्स आर वॉचेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सम कैलकुलेटर्स आर वॉचेस. बाद में हमें दिया है सम मोबाइल्स आर पेंसिल एंड ऑल पेंसिल्स आर कैलकुलेटर. ऑल पेंसिल्स आर कैलकुलेटर. एंड दूसरा हमने क्या छोड़ा था? सम मोबाइल्स आर पेंसिल्स. मोबाइल का कुछ हिस्सा किस में होना चाहिए था? पेंसिल में होना चाहिए था. ओके, अब कंक्लूजन्स को इवैल्यूएट करते हैं. पहला कंक्लूजन क्या दिया है? ऑल कैलकुलेटर्स आर मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी. सारे कैलकुलेटर मोबाइल में आ सकते हैं क्या? तो यहां पे देखो, कैलकुलेटर और मोबाइल का ये जो बाहर का पार्ट बचा हुआ है, इसका हमें रिलेशन कुछ पता नहीं है. पॉसिबिलिटी कुछ भी सही हो सकती है. पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा. दूसरा, सब मोबाइल्स आर डेफिनेटली नॉट वॉचेस. यहां पर डेफिनेटली का कोई वजूद ही नहीं है. इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है सब मोबाइल्स आर नॉट वॉचेस. सब नॉट का कंक्लूजन है, तो हम क्या चेक करेंगे? हम ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे. ऑल यहां पर सही हो सकता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ठीक है, और वैसे भी अगर आपको एक टेक्निक याद है जो मैंने कही थी, ऊपर सारे स्टेटमेंट्स थे पॉजिटिव, यहां पर दूसरा कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव है डेफिनेट में. डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन यहां पर क्या हो जाएगा? गलत. ठीक है, तो यहां पर इतना भी चेक करने की जरूरत नहीं थी हमें. अगर ये चीज याद होती तो तुरंत ही आपको क्लिक होना चाहिए था. ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या है? सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा, ओनली वन फॉलोज. थर्ड कंक्लूजन का आंसर क्या आएगा? ओनली वन फॉलोज. ओके, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सम कैलकुलेटर्स आर वॉचेस, सम मोबाइल्स. अगेन वही स्टेटमेंट्स है हमारे पास, तो डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी थी. हम यहां पर कंक्लूजन चेक करते हैं. पहला कंक्लूजन क्या है यहां पर? सम पेंसिल्स विच आर नॉट वॉचेस आर कैलकुलेटर्स. सम पेंसिल्स विच आर नॉट वॉचेस, मतलब कौन से पार्ट पे फोकस करना है हमें? पेंसिल का वो पार्ट जो वॉचेस के बाहर है, मतलब ये सारी के सारी पेंसिल्स हो जाएंगी. ठीक है, अगर कोई पेंसिल वॉच के बाहर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सम पेंसिल्स विच आर नॉट वॉचेस, वो सारी पेंसिल जो वॉच नहीं है, वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? कैलकुलेटर होनी चाहिए. वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए? कैलकुलेटर होनी चाहिए. अब देखो, पेंसिल चाहे वॉच में हो या ना हो, उसको तो हमेशा कैलकुलेटर होना ही है. तो यहां पर पहला कंक्लूजन क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा. मतलब समझो इस कंक्लूजन का क्या था? सम पेंसिल्स विच आर नॉट वॉचेस, ऐसी पेंसिल जो वॉचेस में नहीं है वो कैलकुलेटर होनी चाहिए थी, ये मतलब है इस कंक्लूजन का. अब पेंसिल का पार्ट वॉच में हो या ना हो, वो सारा का सारा हमेशा किस में रहना है? कैलकुलेटर में ही रहना है. ठीक है, तो यहां पर ये जो पहला पार्ट दिया था, इसका ज्यादा कुछ मतलब था नहीं, तो यहां पर ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं. ऑल कैलकुलेटर्स आर मोबाइल्स. ऑल कैलकुलेटर्स आर मोबाइल, डेफिनेट डायग्राम में ही गलत है, तो ये क्या होना चाहिए था? गलत होना चाहिए था. फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलोस. ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स है हमारे पास ऑल टेबल्स आर कैप्सूल्स. ऑल टेबल्स आर कैप्सूल्स, सारे टेबल्स क्या है? कैप्सूल्स है. सेकेंड है हमारे पास सम सिरप्स आर टेबल्स. सिरप का कुछ हिस्सा किस में होना चाहिए? टेबल में होना चाहिए. ओके, सिरप का कुछ हिस्सा किस में होना चाहिए? टेबल में होना चाहिए. एंड देन ऑल कैप्सूल्स आर मेडिसिन्स. सारी की सारी कैप्सूल्स क्या है? मेडिसिन्स है. ठीक है, ये क्या आ जाएगा? बाहर का बड़ा वाला सर्कल किसका आ जाएगा? मेडिसिन्स का. और ये क्या था? सिरप था.
ओके, तो ऐसे हमारी डायग्राम बनेगी इसकी। कंक्लूजन हमें दिया है, ऑल कैप्सूल्स आर सिरप इज नेसेसरीली ट्रू। यहां पर फिर से थोड़ा सा चेंज किया है, नेसेसरीली ट्रू इसका मतलब क्या होगा, ये डेफिनेट कंक्लूजन होना चाहिए, है ना। नेसेसरीली ट्रू मतलब ऐसा होना ही चाहिए, सारे कैप्सूल सिरप होने चाहिए, इसका सीधा सीधा मतलब था ऑल कैप्सूल्स आर सिरप, ऑल कैप्सूल्स आर सिरप, दैट्स इट। इतना ही हमें चेक करना था, सारे के सारे कैप्सूल सिरप है क्या डायग्राम में ही गलत है। जो डेफिनेट कंक्लूजन डायग्राम में गलत होता है उसको अब तक हम गलत करते आए हैं। दूसरा कंक्लूजन, एटलीस्ट सम सिरप्स आर मेडिसिंस। यहां पर एटलीस्ट का भी कोई मतलब नहीं है, सम सिरप्स आर मेडिसिंस, बस इतना ही चेक करना था हमें। सिरप का कुछ हिस्सा मेडिसिन में दिखता है, सम का कंक्लूजन है, तो क्या चेक करेंगे हम, नो की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सिरप और मेडिसिन में नो एग्जिस्ट हो सकता है क्या, तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पार्ट कभी अलग नहीं होगा। नो की पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, यानी सम की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी, सही होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर क्या आना चाहिए था, ओनली सेकेंड फॉलोज, दैट इज इन ऑप्शन बी। सो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरीके से ये सिलोजिज्म के पांच क्वेश्चन हमें दो से कम मिनट में अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था, इसलिए टाइम थोड़ा शायद ज़्यादा लगा है, पर आप खुद अगर ये सॉल्व करते तो यहाँ पर आपको टाइम कितना लगना चाहिए था, कम से कम दो, ठीक है। यहाँ पर हमने सिलोजिज्म के पांच क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें दिखता है ये क्वेश्चन है पजल से। जैसे ही हमें पजल मिलती है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे पजल का, ठीक है, और ओवरव्यू लेने के लिए 5 से 10 सेकेंड का टाइम ले लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, 7 प्रोफेसर्स है, कुछ तो सब्जेक्ट्स है और उनका इवैल्यूएशन चल रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी जनरल आइडिया आ गई हमें इस पजल के बारे में। क्या जनरल आइडिया आ गई, कि 3 सब्जेक्ट के नाम दिए हैं और उन 3 सब्जेक्ट को 7 प्रोफेसर्स ने इवैल्यूएट किया। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और वो किसने इवैल्यूएट किया ये मैच करना था, ये जनरल आइडिया आ गया, ठीक है। और ये आइडिया हमें 5 से 10 सेकंड में लेना है, ठीक है, हार्डली 15 सेकंड। तो जैसे ही ये पजल दिखता है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा करने लायक है, पर मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू डालूंगा, ठीक है। मैं पहले इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा, जैसे ही पजल दिखेगा पजल का क्वेश्चन पहला मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे। जैसे कि यहां 6 से 10 क्वेश्चन पजल पर है, तो यहां पर हम 6th क्वेश्चन जो है मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे, ठीक है। 6th मार्क फॉर रिव्यू एंड सीधा हम चलेंगे 11th क्वेश्चन पर। तो पजल का क्वेश्चन स्किप करने के बाद हमें मिलता है 11 में एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन। पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, अगर आपने उनको सही अंदाज से पढ़ा है। ओके, आपने यहां पर शायद उसको उस तरीके से नहीं देखा होगा, इसीलिए यहां पर गलतियां होती है और मैक्सिमम लोग एनालिटिकल रीजनिंग में गलती करते हैं। ओके, कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, उन बेसिक चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और हमें पूरा दी हुई इन्फॉर्मेशन का मतलब अच्छे से समझ में आएगा, तो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। ओके, स्टेटमेंट दिया है हमें, द मेजर टेरर स्ट्राइक इन काबुल अंडरलाइंस अ रैपिडली डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। स्टेटमेंट क्या दिया है, काबुल में जो एक मेजर टेरर स्ट्राइक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, वो क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, वो दिन ब दिन खराब होते जा रही है। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन काबुल में जो अभी एक मैसिव टेरर अटैक हुआ था, वो काबुल की खराब होने वाली सिक्योरिटी सिचुएशंस को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट हमें दिया है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उनका मतलब क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसको अब हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग निगेट्स द अबव स्टेटमेंट। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट निगेट करता है। अब देखो, एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास गिने चुने चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं सबसे पहले यह समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे पास चैप्टर है कोर्स ऑफ एक्शन, इसके बाद हमारे पास चैप्टर है कॉज एंड इफेक्ट, इसके बाद हमारे पास चैप्टर है स्टेटमेंट अजम्पशन,
इसके बाद हमारे पास चैप्टर है स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके बाद हमारे पास है डेटा फ्लो डायग्राम, इसके बाद है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या देखते हैं, स्ट्रांग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स। ओके, मींस में एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में आते हैं, पर वो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा रहता है। जैसे कि यहां पर क्या कहा है कि निगेट कर रहा है, निगेट मतलब उसके उल्टा कहना चाहिए था यहां पर, है ना। ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट से उल्टा मतलब निकालता है, वन बाय वन इवेल्युएट करते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है अफगानिस्तान इज नो स्ट्रेंजर टू टेरर अटैक्स। ओके, अब हमें यह बताना है कि यह ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट बात करता है या नहीं। इज नो स्ट्रेंजर टू टेरर अटैक्स, इसका मतलब क्या है कि वो नया नहीं है उसके लिए यह सब चीजें, ठीक है। अगर हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में यही कहा गया है कि उसके ऊपर टेरर अटैक हुआ था, ठीक है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन वन में दिया हुआ, ऊपर दी हुई इंफॉर्मेशन को वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, ओके, उसी को ये सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर पहला तो आंसर नहीं होगा हमारा। दूसरा चेक करते हैं, अमिड ऑल दिस द अफगान गवर्नमेंट इज स्ट्रगलिंग टू विन मॉडिकम ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस दैट इट कैन टर्न थिंग्स अराउंड। इसमें हमें कह रहा है कि वो जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है उसको गेन करने के लिए वो कम पड़ रही है अफगान की गवर्नमेंट, और उसी के चलते जो वो अगर गेन कर लेती है तो वो सारी चीजों को बदल सके, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट अगर हमें यहां पर कहा है तो ऊपर इसके बारे में कुछ भी जानकारी है क्या हमारे पास दिए हुए स्टेटमेंट में, यहां पर ऑप्शन टू में जिसका भी जिक्र हुआ है उसके बारे में कुछ भी जानकारी है क्या हमारे पास? नहीं है। तो यहां पर हम ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास इससे रिलेटेड ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस की बात है ऊपर कहां पर भी नहीं दी है हमें। ओके, तो दूसरा भी यहां पर रिलेवेंट नहीं हो जाएगा। तीसरा चेक करते हैं, द प्रॉब्लम हैज पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस इन अफगान। अगर हम ये तीसरा देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस है अफगानिस्तान में, ठीक है। जैसे कि अब हम यहां पर देख रहे हैं कि स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि ये जो हुआ है इंसिडेंस उससे खराब होने वाली सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। ओके, इसका मतलब यहां पर ये भी स्टेटमेंट उसको क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट ही कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, देयर इज नो चेंज इन डेली लाइफ सिचुएशन इन अफगानिस्तान। ओके, अब यहां पर देखो क्या ये वाला स्टेटमेंट ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट को नेगेट करता है क्या? तो जरा सोचो, यहां पर क्या दिया है कि एक मेजर टेरर स्ट्राइक हुई थी, मेजर टेरर स्ट्राइक हुई थी, और इसी के चलते यहां पर जो अगर मेजर टेरर स्ट्राइक होती है तो जाहिर सी बात है कि डे टू डे लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन डेली रूटीन्स, डेली रूटीन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ऊपर दी हुए को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मेजर टेरर अटैक है तो जाहिर सी बात है डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं, ठीक है। सो नो चेंज, ये हार्ड एंड फास्ट हम कह सकते हैं क्या? नो चेंज हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते हैं, इसीलिए 11th क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी। यानी कंक्लूजन 4 जो कि है हमारे पास ऑप्शन डी में, तो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में इंफॉर्मेशन समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो ना हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो 12th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है एक, रिलायंस कम्युनिकेशन हैड फुल ईयर लॉस ऑफ 14 billion rupees, सब्सक्राइबर्स हैव ड्विंडल्ड इन द पास्ट 5 years एज लार्जर राइवल सच एज भारती एयरटेल लिमिटेड एंड वोडाफोन स्लैश्ड कॉल रेट्स एंड ऑफर हाइयर स्पीड डेटा टू रीपे डेट द कंपनी इज सेलिंग इट्स स्टार्स टू कैनेडियन असेट मैनेजर ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप एज वेल एज मर्जिंग द वायरलेस बिजनेसेस विद एयरसेल। हमें यहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी दी है, ठीक है। जानकारी क्या है, उनको एक साल में, ठीक है, अ फुल ईयर लॉस 40 billion rupees का, 14 billion rupees का उनको लॉस हुआ है, उनको 14 billion rupees का लॉस हुआ है, और सब्सक्राइबर्स जो थे उनके पिछले 5 साल में सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो चुके हैं, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना,
ठीक है, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन जैसे जो कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने क्या किया, कॉल रेट्स और डेटा रेट्स जो है उन्होंने कट कर दिए, यहाँ पर कम कर दिए, ओके। और इसी लॉसेस के चलते जो भी रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर डेट जो लोन था उसको रीपे करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन ने क्या किया है, रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने टाज, एक कैनेडियन ग्रुप था कोई कोई, तो उसको बेच दिए, ठीक है, कैनेडियन कंपनी को उसने क्या कर दिए, अपने टॉवर्स बेच दिए, और जो अपना वायरलेस बिजनेस था वो एयरसेल नाम की कंपनी के साथ उसने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। तो ये रिलायंस कम्युनिकेशन की हमें कुछ सिचुएशन दी थी इसमें। अब हमें यहां पर पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर सेलिंग इट्स टॉवर बाय रिलायंस, ओके, मतलब रिलायंस ने अपने टॉवर्स जो बेचे हैं उनको बेचने का रिलायंस का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, रीजन पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, हमारे कॉज एंड इफेक्ट से चैप्टर से, ठीक है, रीजन मतलब हमें यहां पर कॉज बताना है, बताते हैं, देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। पहला हमें दिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स टू रीपे इट्स डेट्स। स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन किया है ना कि डेट को रीपे करने के लिए उसने टावर बेचे थे, है ना, तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है रीजन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट में हमें क्लियरली दिया है कि टू रीपे डेट द कंपनी इज सेलिंग इट्स स्टार्स टू कैनेडियन, जो कुछ भी है एक ग्रुप को, ठीक है, तो पहला जो रीजन है यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशन इज नॉट इफिशियंट। अब मैनेजमेंट का इफिशियंट ना होने से क्या यह डेफिनेटली आ सकता है, हम कह सकते हैं क्या ऐसा मैनेजमेंट इफिशियंट नहीं है और इसी के चलते ये सारी चीजें हुई है। ऊपर चीज रीजन क्या दिया है, रीजन ये दिया है कि उनके जो कंपेटिटर्स थे उन्होंने रेट्स कम कर दिए, ठीक है। ऊपर जो स्टेटमेंट दिया था उसमें रीजन क्या दिया है कि ये जो हालत हुई है उनके कंपेटिटर्स ने रेट कम कर दिए हैं, ओके, और इसके वजह से हुई है। तो यहां पर मैनेजमेंट इफिशियंट होना इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मैनेजमेंट इनइफिशियंट होना इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये सिचुएशन उसकी वजह से आई है, इसीलिए यहां पर दूसरा जो रीजन है सही नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं, द कंपनी इज लूजिंग इट्स कॉम्पिटिटिव एज। कंपनी जो है अपनी कॉम्पिटिटिव एज खो रही है और इसीलिए उसने ये जो मर्जर वगैरह है या फिर अपने जो टावर्स है वो बेच दिए हैं, क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको कंपटीशन में बने रहना है तो ऐसे स्टेप्स उसको उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव एज लूज करती है, मतलब अपना कॉम्पिटिशन पे जो होल्ड है वो थोड़ा सा अगर उसका कम होते जा रहा है तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, और इन्हीं स्टेप्स लेने के लिए रिलायंस ने क्या किया, जो डेट था उसको क्लियर करने के लिए टावर सेल कर दिए और वायरलेस बिजनेस एयरसेल के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या होगा यहाँ पर, सही होगा यहाँ पर, सॉरी, तीसरा रीजन जो है यहां पर क्या होगा, सही होगा। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी, ठीक है। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बोथ द रीजंस 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का, ओके। एनालिटिकल रीजनिंग में फिर से एक बार बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास टेक्निक्स कितने सही है, आपने कितने अच्छे तरीके से चैप्टर समझे हैं सारे, और आपको दिया हुआ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कितने अच्छे तरीके से समझ में आती है, ओके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें 13th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, IT आउटसोर्सिंग हैज लॉन्गर बीन वन ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप इंडस्ट्रीज, बट एक्सपर्ट से ऑटोमेशन a failure to keep up with the new technologies and US President Donald Trump's clamp down on visa is creating industry wide upheaval, okay, क्या information दी है यहाँ पे, देखो, IT outsourcing जो था वो इंडिया में बहुत टाइम से एक flagship business, मतलब flagship industry रही है IT में, जो कुछ भी outsourcing चलता है, पर हाल ही में कुछ दिनों में बहुत सारी इस चीज़ों में, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है, और उसके रीजंस हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दिए हैं। उसके रीजंस क्या क्या दिए हैं यहाँ पर, देखो, ऑटोमेशन के चलते IT आउटसोर्सिंग कम हो रहा है, ठीक है, जो भी उथल पुथल हो रही है ऑटोमेशन के लिए, ऑटोमेशन से हो रही है। आगे दिया है अ फेल्यूर A failure
टू कीप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब नए टेक्नोलॉजीज के साथ हम कोप अप नहीं कर रहे, इसमें जो फेल्यूर आ रहा है इसी के चलते भी ये उथल पुथल हुई है, ये दूसरा रीजन दिया है। तीसरा क्या दिया है, यूएस प्रेसिडेंट ने जो वीजा से रिलेटेड पॉलिसीज थी उससे क्लैम्प डाउन कर दिया, ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट ने वीजा से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी उसको बदल दिया है। ये रीजंस हमें यहां पर दिए हैं, तीन रीजंस दिए हैं। ओके, आईटी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में जो कुछ भी बड़ी उथल पुथल हो रही थी उसके यहां पर तीन रीजंस मेंशन किए हैं। हमें यहां पर क्या बताना है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स सब्सटैंशिएट्स द फैक्ट दैट इंडियन आईटी कंपनीज आर फेसिंग अ टर्मोइल। इनमें से नीचे जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट या फैक्ट्स ऊपर जो सिचुएशन दी है इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग की, जो सिचुएशन दी है, जो भी हॉरिबल सिचुएशन दी है, उन सिचुएशंस को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सब्सटैंशिएट करेगा। सब्सटैंशिएट करेगा जैसे ही हम पढ़ते हैं समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन अगेन आर्ग्यूमेंट चैप्टर से है। सब्सटैंशिएट करेगा मतलब यहां पर हमें ढूंढना है इनमें से कौन सी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है। पहला ऑप्शन एनालाइज करते हैं, बिजनेस पेपर एंड एनालिस्ट हैव रिपोर्टेड दैट मेजर आईटी फर्म्स आर ग्रेजुअली लाइंग ऑफ देयर थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ। यहां पर ये फैक्ट दी है, अब नीचे स्टेटमेंट में जो कुछ भी दिया है हमें क्या दिया है, फैक्ट है। इसको हमें स्टेटमेंट ऑप्शन में जो भी हमें दिया है इसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं करना है क्योंकि हमें बताया गया है ये सारे के सारे फैक्ट्स है। एक रिपोर्ट में दिखा गया है कि मेजर आईटी फर्म्स जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, अपने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है, ठीक है। क्या ये सिचुएशन, क्या ये फैक्ट ऊपर जो भी हॉरिबल सिचुएशन मेंशन की थी उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है? बिल्कुल करेगा। आईटी आउटसोर्सिंग में क्या हो रहा है, यहां पर हॉरिबल सिचुएशन आ रही, बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा था, ठीक है, और यहां पर एक फैक्ट दी गई थी कि बहुत सारे आईटी फर्म्स, मेजर आईटी फर्म्स अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही थी, तो यहां पर पहला जो है सब्सटैंशिएट करेगा, यानी पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा दिया है इंडियाज आईटी सेक्टर बूम्ड फॉर मोर देन, जैसे ही ये पढ़ते हैं हटा देना चाहिए था इसको, ठीक है, जैसे ही ये पढ़ते हैं तुरंत समझ में आना चाहिए था बूम्ड। बूम्ड का मतलब क्या हो रहा है, वो फ्लरिश हो रहा, वो अच्छे से बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ एकदम अच्छे से हो रही है, पर ऊपर तो उसके डिटोरिएशन के बारे में कहा है, ठीक है, तो ये बूम का तो होना नहीं चाहिए था, तो यहां पर दूसरा क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था। तीसरे को इवैल्यूएट करते हैं, तीसरा क्या दिया है हमें, कंपनीज आर अनविलिंग टू टॉक अबाउट द ले ऑफ्स और हाउ मेनी टेकिज हैव बीन सर्व्ड नोटिस टू लीव एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल अप्राइजल। ओके, सेड जे एस आर प्रसाद, चेयरमैन ऑफ द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनियंस ऑफ आईटी एम्प्लॉयज। एक आईटी एम्प्लॉयज की यूनियन थी, उसके चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि कंपनीज उनके जो एम्प्लॉयज है उतने कितने एम्प्लॉयज को छोड़ जाओ, इसको छोड़ने की जो नोटिस दी है अप्राइजल में जो रहता है उनका, उसमें जो कंपनीज ने नोटिस दी है और वो कितने एम्प्लॉयज को दी है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने के लिए कंपनीज रेडी नहीं है, ठीक है। अगर कंपनीज रेडी नहीं है तो क्या ये जो सिचुएशन हॉरिबल है उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर सिचुएशन सारी की सारी नॉर्मल होती और वो काउंट थोड़ा बहुत कम रहता या मॉडरेट लेवल तक रहता तो कंपनीज इससे इनकार करती क्या? नहीं करती। तो ये जो भी चेयरमैन का स्टेटमेंट आया है कि कंपनीज इसके लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कितने वर्कर्स को छोड़ने की नोटिस दी है, ये स्टेटमेंट भी क्या करेगा, इसको सब्सटैंशिएट करेगा, तो थर्ड में भी क्या होना चाहिए था, इसको सपोर्ट करना चाहिए था। फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ में हमें दिया है इंडियाज टॉप आईटी कंपनीज हैव बीन कंप्लेनिंग फॉर अ व्हाइल अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ पिकिंग अप न्यू क्लाइंट्स एज बिजनेस एक्सप्लोर ऑटोमेशन रोबोटिक्स एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सच एज क्लाउड कंप्यूटिंग। यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा है कि इंडिया में जो टॉप आईटी कंपनीज है उनकी एक कंप्लेंट आ रही है, और वो क्या कंप्लेंट है कि उनको नए नए क्लाइंट्स पिक करने में परेशानी हो रही है, नए क्लाइंट्स पिक करने में परेशानी हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ऊपर कहा गया था, ठीक है,
और ऑटोमेशन की भी आगे बात हो रही है, तो ऊपर स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसको ये क्या कर रहा था, ये फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी सपोर्ट कर रहा था। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, 1, 3 और 4 आर सपोर्टिंग, जो कि है ऑप्शन हमारे पास डी में। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी। ओके, तो हमने 13th क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, अब देखो सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, ये सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है तो थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर डिफी लेंदी आने के चांसेस है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े से लेंदी मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 14th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। 14 से 18 क्वेश्चन तक हमें मिलती है एक पजल। पजल में क्या दिया है, कुछ तो दिवाली फेस्टिवल, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं और सर्क्यूलर टेबल पर बैठे हैं, इनसाइड आउटसाइड फेसिंग है, हमें आइडिया आ जाता है। पजल को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और क्या करते हैं, 14 क्वेश्चन को फिर से मार्क फॉर रिव्यू डालते हैं। ओके, और पजल ये स्किप कर देंगे, हम चलेंगे सीधा 19 क्वेश्चन पर। तो हमने अब तक जितनी भी पजल मिली है सारी पजल स्किप की है, दो ही पजल मिली थी, दो पजल हमने स्किप की है, ठीक है। राइट साइड में अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, तो हमें पैलेट में जो मार्क फॉर रिव्यू डाले हैं वो क्वेश्चन नंबर हाईलाइट रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर के क्वेश्चंस हमने पजल है। ओके, यहां पर हमें एक क्वेश्चन मिला है ब्लड रिलेशन से 1920, ठीक है। ब्लड रिलेशन मिसलेनियस में आता है, तुरंत सॉल्व करना चाहिए इसको। 7 फैमिली मेंबर्स PQRST एंड UZ इन विच 2 मैरिड कपल्स, दो मैरिड कपल्स है हमारे पास। R इज द ग्रैंड मदर ऑफ Z, R जो है वो Z की ग्रैंड मदर है, ठीक है। R इज ग्रैंड मदर ऑफ Z, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, T इज मदर ऑफ U, यहां पे रिलेट नहीं होता है, साइड में लिख लेते हैं, T इज मदर ऑफ U। ओके, आगे क्या दिया है हमें, P इज ब्रदर ऑफ R, P इज ब्रदर ऑफ R, P जो है वो R का भाई है, इसका मतलब P यहां पर आना चाहिए, भाई है मतलब P क्या होना चाहिए, प्लस। ओके, आगे क्या दिया है हमें, आगे दिया है क्यू इज सन ऑफ S, क्यू जो है वो S का सन है, चलो ठीक है, क्यू इज सन ऑफ S लिख लिया हमने। यू इज द डॉटर ऑफ P, यू जो है वो P की डॉटर है, यू जो है वो P की डॉटर है, इसका मतलब यू फीमेल है। यू की मम्मी कौन थी, T, इसका मतलब T और P दोनों भी क्या होने चाहिए, मैरिड होने चाहिए, ठीक है। T और P दोनों भी क्या होने चाहिए थे, यहाँ पर मैरिड होने चाहिए थे। ओके, आगे देखो हमारे पास ये तो पॉइंट हो गया, अब सिर्फ यही पॉइंट बचा है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा, यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो फैमिली में मेंबर्स कितने थे हमारे पास, फैमिली में मेंबर्स थे 7, 3, और यहां पर कितने हो चुके हैं, 3, 6 मेंबर तो हो गए हमारे पास। ओके, अब देखो यहां पर हमने S रख दिया और यहां पर क्यू रख दिया, ठीक है। 7 मेंबर तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, पर 2 मैरिड कपल सेटिस्फाई होंगे क्या, नहीं होंगे, तो यहां पर नहीं रख सकते इसको, और नीचे कहां रखेंगे तो फैमिली मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है हमारे पास, S यहां पर लेना चाहिए था और Q यहां पर लेना चाहिए था। ओके, दैट्स इट, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इनफ। ओके, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू S, वॉट इज द रिलेशन ऑफ Z, Z का रिलेशन हमें किससे पूछा है, S के साथ, ठीक है। Z का रिलेशन हमें पूछा है S के साथ। अब Z का रिलेशन बताने के लिए, Z का जेंडर मालूम है क्या हमें, Z का रिलेशन बताने के लिए Z का जेंडर मालूम नहीं है, तो Z मेल होगा तो ग्रैंड सन होगा, Z फीमेल होगी तो ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन आइदर A और B इसका आंसर आना चाहिए था। 19th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन A। 20th क्वेश्चन देखते हैं। इफ Z इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ R, हमें क्या दिया है, अगर Z R की ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब Z का जेंडर फीमेल होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, देन हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, अगर Z फीमेल है तो फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हैं, देखो 1, 2 और 3, फैमिली में मेल मेंबर्स कितने हो जाते हैं, 3, तो 20th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन B। Okay. तो यहां पर हमने ब्लड रिलेशन पर जो दो क्वेश्चन थे उनको हार्डली 30 या 40 सेकंड से ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था। Okay. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है,
यहाँ पर ये थोड़े मतलब जो हमारा अलग पैटर्न चलता है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमें अगर कोड ऑब्जर्व करते हैं तो लेटर और नंबर मिलता है। ओके, अब यहाँ पर इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए हमें ये आइडिया लेना है कि ये डिकोड हो सकता है या हमें परेशान करेगा। ये आइडिया शुरू के कुछ सेकेंड्स में आना जरूरी होता है। यहाँ पर इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको चेक करने के लिए पहले 30 सेकेंड के आसपास का टाइम दे देंगे और अगर कुछ ना कुछ हमारे समझ में आता है तो ही एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आगे जाना चाहिए। नहीं तो एग्जाम में जो भी चीज शुरू में परेशान करेगी उसको हमें क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू डालना है। के शुरू में टेंशन आने वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो भी चीजें हमें एकदम कॉन्फिडेंटली आएगी जहां पर हम अपने मार्क्स 100% सिक्योर कर सकते हैं वो चीजें हमें फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करनी है। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख लिया है, हम देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर क्वेश्चन में क्या है, तीन फील्ड्स हैं। पहला क्या है इसमें, पहला है लेटर, दूसरा है नंबर एंड फिर से है लेटर। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको डिकोड अगर हमें करना है तो जनरली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ पर चीज़ें छोटी है कॉम्बिनेशन कम बनते हैं उनके ऊपर ध्यान दो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखता है सबसे छोटा वर्ड इट, यहाँ पर मुझे सबसे छोटा वर्ड कौन सा दिखा, इट। अब मैं इट के ऊपर फोकस करूँगा और देखूंगा कि उनसे ये लेटर कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि आई से इनमें से कौन सा लेटर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आई से एच मिल सकता है, कैसे, माइनस वन करेंगे तो। ठीक है, आई का माइनस वन एच, ये हर जगह सेटिस्फाई होता है क्या, चेक करना है। फर्स्ट लेटर का माइनस वन बी है क्या हमारे पास, नहीं है। ठीक है, बाकी किसी भी जगह पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब आई का रिलेशन एच के साथ तो नहीं लग सकता है। ठीक है, अब आई से लेकर प्लस माइनस में हमें इनमें से कोई भी लेटर नहीं मिलता है। ठीक है, I से लेकर प्लस माइनस में हमें इनमें से कोई भी लेटर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स में चेक करेंगे। ठीक है, I का रिवर्स क्या होता है, R होता है, R हमें यहां पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद H का रिवर्स क्या होता है, S होता है, S हमें यहां पर मिलता है। इसके बाद C का रिवर्स X वहां पर है। ठीक है, इसके बाद S का रिवर्स H यहां पर है, यानी हर बार फर्स्ट लेटर का रिवर्स लेटर हमें मिल रहा है कहां पर, आखिरी वाली पोजीशन पर। यहां पे क्रॉस चेक करते हैं, एल, एल का रिवर्स क्या होता है, ओ आ चुका है। टी का रिवर्स क्या होता है, जी आ चुका है। पी का रिवर्स क्या होता है, के आ चुका है। एच का रिवर्स क्या होता है, एच आ चुका है। यानी इसमें से हमने इस वाले लेटर का कोड तो पता लगा लिया, ये वाला लेटर क्या है, रिवर्स ऑफ, ये वाला लेटर क्या है, रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर। इसका लॉजिक क्या है, रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर। अब देखो एक बात तो हमें पता चल गई ना कि इट का कोड कौन सा है, इट का कोड है T9R। इट का कोड क्या है, T9R। अब चेक करते हैं कि इसमें T कैसे आया है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें लास्ट लेटर एज इट इज दिखता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं सब जगह ऐसा ही हुआ है क्या। सर्टन का कोड क्या है, यहां पर सर्टन का कोड क्या है, सर्टन का कोड हमें मिलता है, ठीक है, सर्टन का कोड हमें मिलता है E9X। सर्टन का कोड क्या मिला हमें, E9X। क्या यहां पर लास्ट लेटर एज इट इज आया है पहली जगह पर, नहीं आया है। ठीक है, ये लास्ट लेटर मतलब अब गड़बड़ हो गया। ठीक है, पर अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यह दिख रहा है ना कि यहां पर इस लेटर में दूसरे पोजीशन पर ई आ रहा है। ठीक है, इस लेटर में दूसरे पोजीशन पर ई आ रहा है के वैसे ही इस टी को हम लास्ट के बजाय सेकंड लेटर भी कंसिडर कर सकते हैं ना, किसी भी वर्ड का लास्ट के बजाय इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकंड लेटर भी कंसिडर कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं हर बार क्या सेकंड लेटर रिपीट हो रहा है, देखते हैं। यहां पर हैविंग का कोड क्या था हमारे पास, हैविंग का कोड था A9S। हैविंग में A आया है सेकंड पोजीशन पर और यहां पर A आ चुका है। सीरियस का देखते हैं, सीरियस का कोड क्या है हमारे पास, E21H। ओके, सीरियस का कोड क्या है हमारे पास, E21H। सेकंड लेटर E है, यहां पर E आ चुका है। इसका मतलब हमने लेटर का भी लॉजिक पता कर लिया है। लेटर, इस लेटर का लॉजिक क्या है, इस लेटर में सेकंड लेटर एज इट इज है।
इस लेटर में क्या है, सेकंड लेटर एज इट इज है। अब बचता है नंबर। अब नंबर को हमें डिकोड करना है। नंबर को अगर डिकोड करना है तो कॉमन नंबर्स हमें कहां कहां पर मिलते हैं देखो, ठीक है। अब कॉमन नंबर हम 9 को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये 9 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये 9 यहां पर है, ठीक है। यहां पर 9 है क्या? नहीं है। तो 9 वाले कोड इतने सारे हमारे पास हैं। चलो देखते हैं, A9S किसका कोड था? A9S ये जो कोड था, ये कोड था हैविंग का। A9S ये कोड किसका था? हैविंग का। T9R ये कोड किसका है? 8 का। ओके, E9X ये कोड किसका है? सर्टन का। E9X ये कोड किसका है? सर्टन का। यहां पर देखो अभी I90 ये कोड किसका है? यहां पर देखे हैं तो ये कोड हमें पता चलता है कि ये कोड है गिफ्ट का, ठीक है। I90 ये जो कोड है ये किसका कोड है? गिफ्ट का कोड है। ओके, अब इन सब वर्ड्स के लिए एक ही नंबर कॉमन आया है, कौन सा? 9। इन सब वर्ड्स के लिए एक ही नंबर कॉमन आया है 9। इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए थी जिसके लिए यहां पर क्या आ रहा है? 9R, ठीक है। अब देखो नंबर का लॉजिक अब तक हमने क्या देखा है कि जनरली वो लेटर की पोजिशन होते हैं या उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को कंसिडर किया जाता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसा करने जाएंगे तो कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। यहां पर 9 जो है हमें पता है आई की पोजीशन होती है। 9 जो है हमें पता है कि वो किसकी पोजीशन होती है? आई की। क्या इन सब में आई आया है? देखो यहां पर भी आई है, 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 ठीक है। पर इन सब में आई की पोजीशन डिफरेंट आ चुकी है। जैसे कि यहां पर आई पहले पोजीशन पर है, यहां पे थर्ड लास्ट पे है, यहां पे सेकंड लास्ट पे है, यहां पे सेकंड पे है, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वोवेल एंड कंसोनेंट के ऊपर दिमाग लगाओ। यहां पर जो भी वोवेल्स थे, यहां पर जो भी वोवेल्स थे, सिर्फ अकेला एक आई वोवेल है। यहां पर कौन कौन से वोवेल है? ए एंड आई। यहां पर कौन कौन से वोवेल है? ई ए आई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाइएस्ट वोवेल की पोजिशन यहां पर ली गई है? वर्ड में जो भी वोवेल हाईएस्ट आया है उसकी पोजीशन ली गई है। और वैसे भी ये सारे नंबर्स पे हम फोकस करते हैं, ठीक है, 5, 21, 15, 9, तो हमें समझ में तुरंत आना चाहिए था ये सारी के सारे तो वोवेल्स की पोजीशन है। तो इस तरीके से हम नंबर को डिकोड कर सकते थे, ठीक है। तो नंबर का लॉजिक क्या है यहां पर? अगर हम नंबर का लॉजिक यहां पर देखें तो यह क्या है? पोजिशन ऑफ हाईएस्ट वोवेल, ठीक है। या कहीं पर भी देख लो, 21 E21H किसका कोड था? सीरियस का। E21H ये जो कोड था ये किसका था? सीरियस का कोड था। इसमें सबसे बड़ा वोवेल कौन सा है? यू है। तो यू की पोजीशन क्या ली है यहां पर? 21, ठीक है। जब कभी भी हमें कन्वेंशनल पैटर्न में लॉजिक ना मिले जो हमने देखे हुए हैं या फिर जो मैक्सिमम अभी तक पूछे गए हैं, तो हमें किसके ऊपर दिमाग लगाना है? हमें दिमाग लगाना है वोवेल और कंसोनेंट के ऊपर, ठीक है। ये जैसा वोवेल था वैसा ये कंसोनेंट के साथ भी हो सकता था, ओके। अब एक बार ये लॉजिक अगर हमने पता लगा लिया, ठीक है, तो यहां पर ज्यादा परेशानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होती है, ओके। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, पर मैं ये कहूंगा कि ये मेंस में अगर क्वेश्चन आया है तो इसको डीकोड करने के लिए हम 1.5 से 2 मिनट या 2.5 मिनट तक का समय भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको फिर सॉल्व करने में टाइम कितना लगेगा हमारा? बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है ना। तो डीकोड करने के बाद 5 क्वेश्चन हम आसानी से 1 या 1.5 मिनट में कर सकते हैं। तो अगर 5 मिनट में भी 5 क्वेश्चन बनते हैं तो इट्स अ गुड स्कोर इफ इट इज अ सिंगल स्टेज मेन्स एग्जाम, ओके। तो हमें ये लॉजिक पता चला है, इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। तो अब हमने जो डिकोड किया है उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें अगले 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहला हमें पूछा है अल्ट्रा वेपन का कोड क्या होगा। अल्ट्रा वेपन में सबसे पहला हमें क्या लेना है? सेकेंड लेटर एज इट इज। तो यहां पर पहला कोड क्या आना चाहिए अल्ट्रा के लिए? एल आना चाहिए, जो कि ये होगा, ओके। यहां पर नंबर हाइएस्ट वोवेल की हमें क्या लेनी है? पोजिशन। हाईएस्ट वोवेल कौन सा है इसमें? यू।
यू की पोजिशन क्या होती है 21, तो एल के बाद 21। लास्ट में लेटर जो भी आएगा उसका क्या करना है, रिवर्स ऑफ फर्स्ट, तो यू का रिवर्स क्या होता है एफ, तो अल्ट्रा का कोड क्या मिलता है हमें L21F। ठीक है, यहां पर नन ऑफ दीज भी है तो हमें ये वेपन का भी कोड पूरा पूरा निकालना होगा। ठीक है, वेपन का कोड निकालते हैं, सेकेंड लेटर एज इट इज यानी ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, देन नंबर पोजिशन ऑफ हाइएस्ट वोवल, हाइएस्ट वोवल कौन सा है इसमें ओ, तो यहां पे नंबर कौन सा आएगा 15, एंड देन यहां पर क्या होगा, यहां पर लेना है हमें रिवर्स ऑफ फर्स्ट, तो W का रिवर्स क्या होगा D, तो ये हमें अल्ट्रा वेपन का कोड मिलेगा जो है हमारे पास ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या कहता है L21F E15D, ऑप्शन बी, तो 21 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था ऑप्शन बी। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें 22nd क्वेश्चन का कोड दिया है N9R, ये कोड नीचे दिए हुए में से कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। पहला लेटर यहां पर N है, इसका मतलब जो भी वर्ड इसको रिप्रेजेंट करने वाला है उसके सेकेंड पोजिशन में N होना चाहिए, तो सेकेंड पोजिशन में N किस किस के है, ऑनियन में है और इंडिया में, तो इसका आंसर या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन ई होगा, यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, आखिरी लेटर के लिए चेक करते हैं, आखिरी लेटर क्या है, रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर, ये पहले लेटर का रिवर्स है, तो जो भी वर्ड इसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर इसका लॉजिक क्या है, ये क्या था रिवर्स ऑफ फर्स्ट लेटर, ये यहां पे कोड कैसे आता है फर्स्ट लेटर का रिवर्स होके। ठीक है, तो इसका रिवर्स करेंगे तो आई मिलता है, इसका मतलब जो भी वर्ड रिप्रेजेंट करेगा उसके शुरुआत में आई होना चाहिए था, और वो कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन बी में, तो 22nd क्वेश्चन का आंसर भी क्या होना चाहिए था ऑप्शन बी, यानी इसका आंसर होना चाहिए था इंडिया। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में हमें पूछा है कि म्यूजियम का कोड क्या होगा। ओके, म्यूजियम में सेकेंड लेटर कौन सा है यू, हाइएस्ट वोवल कौन सा है इसमें यू, उसकी पोजिशन क्या है 21, एंड फर्स्ट लेटर एम है, उसका रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा एन आएगा, तो यू 21N इसका आंसर होना चाहिए था जो है ऑप्शन सी में हमारे पास। 23rd क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन सी, 23rd क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 24th क्वेश्चन देखते हैं, O15N, अब इसको ओरली करते हैं, इसमें लिखेंगे नहीं क्योंकि अब हमें आइडिया आ चुका है, O15N ये किसका कोड है हमें बताना है यहां पर। ओके, तो यहां पर इसको अगर हम इवेल्युएट करते हैं, ओ इसका मतलब जो भी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें सेकंड पोजीशन पे ओ आना चाहिए। ठीक है, तो सून में है, नून में, सब में ही सेकंड पोजीशन पर ओ है, अब यहां पे पहले वाला लॉजिक नहीं चलेगा। एन देखते हैं, एन का रिवर्स क्या होता है एम, यानी उस वर्ड के शुरुआत में एम आना चाहिए था। ठीक है, अब एम अगर यहां पर देखते हैं तो एम ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। ठीक है, तो O और N को अगर हम कंसिडर करते हैं तो दोनों भी लॉजिक B में भी सेटिस्फाई होते हैं, D में भी सेटिस्फाई होते हैं। रही बात 15 की, हाईएस्ट वोवल की पोजीशन लेनी थी हमें बीच में, B में हाईएस्ट वोवल है O, तो B के लिए कोड कौन सा आएगा बीच में नंबर का 15 आएगा। ठीक है, D में भी हाईएस्ट वोवल कौन सा है O, तो D में भी कौन सा आएगा 15 ही आएगा, तो देखा जाए तो यहां पर ऑप्शन बी का भी कोड O15N होगा और ऑप्शन डी का भी कोड O15N होगा, दोनों का भी कोड वही वो आ सकता है। यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ हमारे पास है क्या ऑप्शन में आइदर बी और डी, नहीं है। जब एक से ज्यादा आंसर हमें मिलते हैं, जब हम कंफर्म नहीं बता पाते हैं, तो हम आंसर क्या करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो है ऑप्शन ई में, cannot be determined जो है ऑप्शन ई में, तो फॉर 24th क्वेश्चन का होगा आंसर ऑप्शन ई। 25th क्वेश्चन देखते हैं, टुगेदर एट लाफिंग का कोड हमें बताना है, हमें कोड किसका बताना है टुगेदर एट लाफिंग। ओके, टुगेदर एट लाफिंग, सबसे पहले टुगेदर का कोड निकालते हैं, सेकेंड लेटर एज इट इज, हाइएस्ट वोवल ओ, उसकी पोजिशन 15, फर्स्ट लेटर टी, उसका रिवर्स जी, इसका कोड निकालते हैं, सेकेंड लेटर एज इट इज, हाईएस्ट वोवल आई, उसकी पोजीशन, फर्स्ट लेटर का रिवर्स। ठीक है, लाफिंग का कोड, सेकेंड लेटर एज इट इज, हाईएस्ट वोवल यू,
उसकी पोजीशन 21, फर्स्ट लेटर एल, उसका रिवर्स ओ, T15G, ओके, कौन से ऑप्शन में है हमारे पास देखते हैं, T15G, T9R, A21O, ये मिलता है हमें ऑप्शन ए में, तो 25th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन ए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 21 से लेके 25 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पर परेशान क्या कर सकता था हमें, बस नंबर परेशान कर सकता था, अगर किसी को नंबर क्लिक नहीं होता है तो उसको ये क्वेश्चन अगर छोड़ना था तो 1 मिनट के अंदर छोड़ना चाहिए था, 1 मिनट से ज़्यादा समय देकर अगर हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो हम फिर उसका प्रेशर कहीं ना कहीं आगे फेस करने वाले हैं, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे स्क्रीन पर हमें मिलती है फिर से एक पजल, 26 से लेकर 30 तक पजल है, जैसे ही पजल मिलती है जो अब तक करते आए वही करना है, जल्दी से पजल को स्कैन करना है, थीम समझनी है, यहाँ पर डबल रो अरेंजमेंट है, थीम समझ में आती है पजल को स्कैन करने के बाद, 26 नंबर का क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू, सीधा चलेंगे 31 नंबर के क्वेश्चन पर, 31 टू 35 हमें मिलती है कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है, मिसलेनियस में है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको, हमें यहाँ पर कोडेड में कुछ कोड्स के मतलब दिए हैं, हमने इसका मेथड बहुत बार देखा हुआ है यूट्यूब लाइव क्लासेस में, आई होप सब ने उसको फॉलो किया होगा, ये फॉलो करते हैं हम, वहाँ पर कॉपीराइट का मतलब दिया है स्मॉलर देन, कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है स्मॉलर देन, हैश का मतलब दिया है आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो हैश यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसके बाद हमें क्या दिया है स्टार, स्टार का मतलब दिया है ग्रेटर देन, स्टार का मतलब क्या दिया है हमें ग्रेटर देन, डॉलर ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट द रेट मीन्स नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर मतलब इक्वल, एट द रेट मीन्स इक्वल, तो ये हमने यहां पर हमारी फैमिली बना ली है, यहां से आगे कोडेड इनइक्वालिटीज के सारे क्वेश्चंस हम ओरली करेंगे, एक बार फैमिली ट्री बनने के बाद सारी कोडेड इनइक्वालिटीज को ओरली कैसे डील करना है ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, पहला कंक्लूजन वी से लेकर एल तक चलना है, वी से एस, एस से एल, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो सीधा हैश और कॉपीराइट में कंपैरिजन करना है, हैश और कॉपीराइट में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है कॉपीराइट की, तो यहां पर पहला कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें वी कॉपीराइट एल, ठीक है, जो दिए हुए कंक्लूजन से मैच कर रहा है, यानी ये कंक्लूजन क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं कहां एस से जे तक, एस से एल, एल से जे, डायरेक्शन फिर से चेंज नहीं होती है, कॉपीराइट कॉपीराइट में प्रायोरिटी सेम रहेगी, यहाँ पर रिलेशन क्या मिलेगा एस कॉपीराइट जे, ये भी सही हो जाएगा, तो यहाँ पर 31 क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए था बोथ 1 और 2 आर ट्रू, यानी ऑप्शन ई इसका आंसर होना चाहिए था, बहुत बार हमने ये मेथड यूट्यूब लाइव क्लासेस में डिस्कस की हुई है, ठीक है, तो आप सब लोग इस मेथड से एकदम फैमिलियर होना चाहिए, के हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहां पर देखते हैं M से H जाना है, पहला कंक्लूजन चेक करना है हमें M से H, M से R, R से J, J से H, डायरेक्शन फिर से नहीं चेंज हो रही है, तो हम सिर्फ सिंबल कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसको करना है हैश कॉपीराइट हैश, हैश कॉपीराइट हैश, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा कॉपीराइट की, इसका मतलब M और H में रिलेशन क्या मिलेगा हमें, M और H में रिलेशन मिलेगा M कॉपीराइट H, जो कि मैच नहीं होता है, पहला कंक्लूजन क्या होगा गलत होगा, दूसरा कंक्लूजन R और H के बीच में रिलेशन चाहिए, R J J H, डायरेक्शन सेम है, कॉपीराइट और हैश में कंपैरिजन होगा, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी कॉपीराइट की, R कॉपीराइट H, जो कि हमें सेकंड कंक्लूजन में मिलता है, सेकंड कंक्लूजन सही होना चाहिए था इसका, 32 क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था ऑप्शन बी ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 33 नंबर का क्वेश्चन, एच से लेकर एम तक जाना है, एच से एफ, एफ से जी, जी से एम, क्या है सीक्वेंस बिल्कुल सेम, डायरेक्टली सिंबल कंपेयर करेंगे, डॉलर एट द रेट स्टार, डॉलर एट द रेट स्टार, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी स्टार की, तो यहां पर फर्स्ट में हमें रिलेशन क्या मिलेगा एच स्टार एम, फर्स्ट में रिलेशन क्या मिलेगा हमें एच स्टार एम, सेकेंड में
एच से लेकर जी तक जाना है, एच से लेकर जी तक अगर हम जाते हैं तो डॉलर और एट द रेट रिलेशन मिलता है हमें। तो डॉलर और एट द रेट में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? डॉलर की। ठीक है, तो यहां पर एच डॉलर जी ये रिलेशन हमें मिलेगा। पहला जो मिला था वही चेक करना था हमें, पहला सही हो जाएगा। दूसरा ये मिला है और चेक करने के लिए क्या कहा गया है हमें, एच स्टार जी मैच नहीं हुआ, दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज, दैट इज इन ऑप्शन ए। ठीक है, ये मेथड मैं यहां पर इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हमने इसमें बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 34th क्वेश्चन में पहला कंक्लूजन आर और टी के बीच में चेक करना है, आर से लेके टी तक, आर से जे, जे से टी, कॉपीराइट और स्टार में कंपैरिजन करना है। कॉपीराइट और स्टार में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, अपोजिट फैमिली के मेंबर हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलेशन आता है, तो पहला कंक्लूजन गलत होना चाहिए। दूसरा कंक्लूजन जे एट द रेट एल, जे से लेकर एल तक जाते हैं, जे से टी, टी से एल, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। स्टार और हैश में कंपैरिजन करना है, अगर स्टार और हैश में कंपैरिजन होगा ही नहीं, अपोजिट फैमिली मेंबर्स, ये भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। यहां पर हमें अपोजिट फैमिली मेंबर्स मिले हैं, इसी के चलते दोनों के दोनों कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलेशन आ जाएंगे और दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो 34 क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा नाइदर वन नॉर टू फॉलोज एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। ठीक है, इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 35 में W से K तक जाना है, W से K कैसे जाएंगे, W से T, T से K, W से T, T से K, क्या क्या मिलता है हमें, एट द रेट एंड डॉलर। एट द रेट और डॉलर में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, डॉलर की, तो यहां पर W डॉलर K रिलेशन मिलेगा। W से K तक जाएंगे T के जरिए, तो रिलेशन क्या मिलेगा, W डॉलर K। W डॉलर K पहले कंक्लूजन में दिया था और वही मिला है, पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, सही। दूसरा कंक्लूजन W और K के बीच में ही था पर रिलेशन कुछ अलग कह रहा है। ठीक है, एक बार एक रिलेशन उन दोनों के बीच में सही होता है तो दूसरे को चेक करने के लिए क्यों दिमाग लगाना है हमें, है ना। W और K के बीच में फर्स्ट कंक्लूजन में डॉलर वाला यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला रिलेशन सही हुआ है। ठीक है, तो एट द रेट इक्वल टू वाला 100% सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। दूसरा हमें बिना चेक किए भी अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो इसको हम गलत मार्क कर सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो कि स्पीड हम कहां पर बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी चीजों का अगर हमें अंडरस्टैंडिंग है तो कई ऐसी चीजें हमें एग्जाम में मिलती है जिनको हम नहीं करते तो भी चल जाता है। ठीक है, पर इसके लिए हमें उन चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। ओके, तो यहां पर 35 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए। कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सिर्फ ये जो बनाया है यहां पर, सिर्फ इससे आपका कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आपको कोडेड इनइक्वालिटी में पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और खास इसीलिए हमने ये मेथड देखी हुई है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन दिखाना। तो अब हमें 36 से लेकर 40 तक इनपुट आउटपुट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहला टास्क इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग लॉजिक पता करना। ठीक है, तो एक बार आप खुद ट्राई करो, एक दो मिनट का टाइम यहां पर ले लो, आप स्क्रीन पॉज करो। अगर आपको एग्जाम में पता चला आपने बाद में इसको ट्राई दिया है तो गुड, नहीं तो हम इसको अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना कर सकते हैं। स्क्रीन पर आता है सर, देखो जो क्वेश्चन हमें दिया था, जो एक्सप्लेनेशन हमें दिया था उसको यहां पे नोट डाउन किया है। इनपुट हमें दिया था 83 नोन एंड सो ऑन, और उसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया था यहां पर। क्या करते हैं, बस कौन कौन से एलिमेंट के सिक्वेंस में चेंज हुआ है ये चेक करते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए था, इनपुट के अकॉर्डिंग 83 आना चाहिए था, पर आया क्या है 63। ठीक है, ये 83 नोन, 95 यहां पे नहीं मिलता, चलो ठीक है याद रखो, मोर डैश 79 कैश, ये 63 वहां पर था, हैज 71 वर्क, 95 आखिरी में मिलता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोसेस हुआ, 63 एंड 95। वैसे ही अगर हम देखेंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या प्रोसेस होगा, 88 एंड 71, क्योंकि बाकी सभी तो अपने जगह है,
है ना, सिर्फ ये दोनों एलिमेंट 71 और 88 अपने जगह से निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ये दोनों प्रोसेस हुए हैं। प्रोसेस कौन से एलिमेंट होते हैं ये कैसे चेक करते हैं हम, जिनकी पोजिशन में गड़बड़ हुई है, ठीक है। यहाँ पर 63 अपनी जगह पर था, पोजिशन यानी सिक्वेंस की बात कर रहा हूँ। सिक्वेंस से अगर हम चलते हैं तो 63 यहाँ पर है, 71 नहीं था वो यहाँ पर बीच में आ गया, बाकी चेक करो 83 नोन मोर डैश 79 कैश हैज 71 अभी यहाँ पर आ चुका है, बाकी सारा क्या है आगे सेम सिक्वेंस में है। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग लॉजिक पता करते हैं। थर्ड स्टेप में देखो 79 प्रोसेस हो चुका है एंड यहाँ पर 83 प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद नंबर्स खत्म हो गए, इसके बाद के स्टेप्स अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो नंबर का सिक्वेंस एज इट इज है। अब तक सिर्फ नंबर के ऊपर प्रोसेसिंग किया गया है और एक स्टेप में दो नंबर्स प्रोसेस हुए हैं, एक नंबर प्रोसेस हुआ लेफ्ट एंड में और दूसरा नंबर प्रोसेस हुआ राइट एंड में। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इनके ऊपर, देखा जाए अगर तो 63 जो था वो लोवेस्ट नंबर था एंड 95 जो था वो हाईएस्ट नंबर था। तो एक स्टेप में जो दो नंबर्स अरेंज हो रहे हैं वो कैसे नंबर्स हैं, एक है लोवेस्ट नंबर और दूसरा है हाईएस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर अरेंज कहां पर हो रहा है, लेफ्ट एंड में, और हाईएस्ट नंबर अरेंज कहां पर हो रहा है, राइट एंड में, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे देखो 71 एंड 88 जो नंबर बचे थे उनमें से छोटा कौन सा था, 71, ओके, एंड जो बचा था उनमें बड़ा कौन सा था, 88, ओके। तो 71 एंड 88 सेकंड स्टेप में अरेंज हो गए। तो नंबर का प्रोसेसिंग लॉजिक क्या है, एक स्टेप में हमें दो नंबर्स अरेंज करने हैं, छोटा जो नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट साइड पर अरेंज करना है एंड लार्जेस्ट नंबर राइट साइड पर अरेंज करना है, ओके। अब यहां पर तीसरे स्टेप में सारे नंबर्स की अरेंजमेंट हो गई खत्म, वर्ड्स को चेक करते हैं, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट में लॉजिक अगर समझ में नहीं आता है तो प्रोसीजर ध्यान में रखो क्या है कि सीक्वेंस कहां पे बदलता है, बस ये चीज अगर ठीक से ऑब्जर्व करना अगर हमें आ गया तो हर एक टाइप का प्रोसेसिंग लॉजिक हम डिकोड कर सकते हैं। यहां पे देखो इसके हिसाब से, इस स्टेप के हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए था, नोन आना चाहिए था, पर क्या आया हुआ है, कैश। ये नोन कहां पर मिलता है हमें आगे, अब सीक्वेंस चेक करेंगे सेम है या नहीं है, ठीक है। नोन मोर डैश कैश तो वहां पर गया है, हैज वर्क, मतलब सिर्फ किसके सीक्वेंस में गड़बड़ हुआ है, कैश के, बाकी सारे का सारा सीक्वेंस वही है, ठीक है। सेकंड में चेक करते हैं, यहां पे देखो कैश एज इट इज, नोन आना चाहिए था पर क्या आया है, डैश आया है, ठीक है। अब देखो बाकी आगे का सारा सीक्वेंस वही है, यहां पर चेक करते हैं कैश एज इट इज डैश एज इट इज, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, नोन, पर क्या आया है, हैज, बाकी सारा सीक्वेंस एज इट इज। मतलब फोर्थ स्टेप में प्रोसेस हुआ है कैश, फिफ्थ में डैश एंड सिक्स्थ में हैज, ठीक है। अब यहां से आगे कुछ प्रोसीजर नहीं हुआ है, यहां पर हमें बोल दिया गया था कि स्टेप सिक्स जो थी वो लास्ट स्टेप थी। यहां पर देखो नंबर का लॉजिक हमने पता कर लिया है, वर्ड्स का देखते हैं, वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे हो रही है। एक बार एक स्टेप में एक ही वर्ड अरेंज हो रहा है और वो कहां पर अरेंज हो रहा है, लेफ्ट एंड में अरेंज हो रहा है। यहां पर देखो सी डी एच के एम डब्ल्यू, ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे अरेंज हो चुके हैं, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, सारे के सारे वर्ड्स कैसे अरेंज हो चुके हैं अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस इनपुट का हमने प्रोसेसिंग लॉजिक पता कर लिया है। प्रोसेसिंग लॉजिक क्या है कि पहले हमें सारे नंबर्स अरेंज करने हैं, सारे नंबर्स कैसे अरेंज करेंगे, छोटा करेंगे लेफ्ट में, बड़ा करेंगे राइट में, एक स्टेप में दो नंबर अरेंज करेंगे, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। और नंबर सारे अरेंज होने के बाद हमें अरेंज क्या करना है, हमें अरेंज करना है वर्ड्स को, और वो कैसे, एक स्टेप में एक ही वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर। ये पूरा हमारा था प्रोसेसिंग लॉजिक। अब एक बार प्रोसेसिंग लॉजिक हमें पता चल गया तो जो भी इनपुट हमें दिया है उस इनपुट के ऊपर सेम लॉजिक अप्लाई हमें करना है और फिर जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आंसर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इनपुट हमें दिया था उस इनपुट को हम प्रोसेस कर लेते हैं। ये इनपुट हमें दिया था, अब ये इनपुट अगर हम दिए हुए लॉजिक के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं तो हमें सारा का सारा हमें यहां पर आंसर्स मिल जाएगा। इनपुट में हमें ये सारा वर्ड्स और नंबर्स दिए,
गिवन लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हमें यहाँ पर पहले स्टेप लिखनी है तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है? पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर लेफ्ट में लेना है, सबसे बड़ा नंबर राइट में लेना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 42। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 84। 42 को लेना है एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 42। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैक। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्विन। क्विन के बाद अब 42 लिखेंगे क्या यहाँ पर? 42 नहीं लिखना है क्योंकि 42 तो ऑरेंज हो चुका है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईयर लिखेंगे। 84 लिखना है कि यहाँ पर नहीं, क्योंकि 84 हमें कहाँ चाहिए? आखिरी में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉस्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 52। यहाँ पर डियर। यहाँ पर 76। यहाँ पर गॉन। 48 एंड हमारा जो नंबर था हाईएस्ट नंबर 84। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमें सबसे छोटा नंबर, अब जो बचा है 42 को छोड़ते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बचता है हमारे पास? 48। एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचता है हमारे पास? 76। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेप में 48 अरेंज होगा सेकेंड लेफ्ट पोजिशन पर और 76 अरेंज होगा सेकेंड राइट पोजिशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 42 आ जाएगा, यहाँ पर ये 48 होगा, ये 64 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये जैक, क्विन, क्विन के बाद ईयर, ईयर के बाद लॉस्ट, उसके बाद 52, उसके बाद डियर, उसके बाद गॉन। 76 लिखना है क्या हमें यहाँ पर? नहीं, क्योंकि 76 तो जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर गॉन के बाद अब 48 भी आएगा क्या? नहीं आएगा, ये क्या आएगा? 76 एंड यहाँ पर क्या आएगा? 84। तो हमारी सेकेंड स्टेप कुछ ऐसे बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे क्या करना है? थर्ड स्टेप में अब जो बचा है उसमें से छोटा नंबर, ठीक है, अब दो ही नंबर बचे हमारे पास, 64 एंड 52। छोटा कौन सा है इसमें? 52। एंड बड़ा कौन सा है? 64। ठीक है, तो 52 यहां पर आएगा और 64 कहां जाएगा? थर्ड राइट पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, तो ये 42 हो गया, ये 48 हो गया, यहां पर 52 हो गया, यहां पर बाकी सब एज इट इज, जैक, क्विन, ईयर, लॉस्ट, यहाँ पर डियर, यहाँ पर गॉन, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64 लेना है हमें यहाँ पर, 76 एंड यहाँ पर 84। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर थर्ड स्टेप में सारे के सारे नंबर्स अरेंज हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप में हमें अरेंजमेंट किसकी चालू करनी है? फोर्थ स्टेप में हमें अरेंजमेंट चालू करनी है वर्ड्स की, और वर्ड्स कैसे करने हैं हमें? अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उससे पहले तो ये जो नंबर्स थे ये नंबर्स एज इट इज यहाँ पे रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जो वर्ड्स है ये वर्ड क्या करने हैं हमें? अल्फाबेटिकली असेंडिंग। अब देखो जे क्यू ई एल डी जी, इसमें अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला कौन सा आएगा? डियर। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा अरेंज होगा? डियर। ठीक है, इसके बाद ये जो सारा का सारा है, जैक, क्विन, ईयर, लॉस्ट, गॉन एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स 64, 76 एंड 84 एज इट इज। ओके, तो ये हमारी फोर्थ स्टेप कुछ ऐसे बनेगी। एक बार नंबर अरेंज हो गए, हम अरेंज करेंगे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली। सबसे पहला अरेंज होने वाला वर्ड था डियर। पांचवी स्टेप देखते हैं इसकी कैसे होगी। 42, 48, 52, इसके बाद ये डियर एज इट इज। डियर के बाद किसको अरेंज होना है यहाँ पर अल्फाबेटिकली? ईयर को। तो यहाँ पर अरेंज किसे करेंगे हम? ईयर को। यहाँ पर जैक आएगा, यहाँ पर क्वीन आना चाहिए, ये लॉस्ट, यहाँ पर गॉन, यहाँ पर 64, 76 एंड 84। ठीक है, ये हो गई हमारी पांचवी स्टेप। सिक्स स्टेप देखते हैं इसमें। डियर और ईयर के बाद, ठीक है, ई एफ के बाद हमें अरेंज किसको करना है? गॉन को। ठीक है, यहां पर देखो 42, 48, 52, यहां पर डियर एज इट इज, डियर के बाद ईयर एज इट इज, ईयर के बाद हमें इनमें से अल्फाबेटिकली जो पहला आएगा यानी कौन होगा? गॉन। तो गॉन पहले करेंगे, फिर क्या करेंगे? जैक करेंगे,
जैक जैसा का जैसा है वैसा सीक्वेंस में आएगा, क्वीन भी क्या आएगा फिर उसके बाद सीक्वेंस में आएगा, और उसके बाद लॉस्ट भी जो है वो क्या आएगा सीक्वेंस में आएगा। आगे 64, 76 एंड 84, ठीक है। तो ये हमारी सिक्स स्टेप कुछ ऐसे हो जाएगी। ओके, अब सिक्स स्टेप में हमने अरेंज किसको किया है, गॉन को। गॉन के बाद जी के बाद हमें अरेंज किसे करना है, गॉन के बाद हमें अरेंज करना था जैक को। ध्यान से सुनना, गॉन के बाद हमें अरेंज किसको करना था, जैक को। पर अरेंज करने के बाद जैक हम यहीं पे लिखने वाले थे ना, गॉन के बाद जैक को अरेंज करेंगे और जैक को हम यहीं पे लिखेंगे। इसका मतलब जैक को अरेंज करने के बाद हमें जहां पर लाना था ऑलरेडी वो उसी पोजिशन पर है। इसके लिए जैक को प्रोसेस करने के लिए एडिशन स्टेप की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जैक अपने आप ही अरेंज हो चुका है, कौन से स्टेप में, सिक्स स्टेप में, ठीक है। जैक के बाद किसको अरेंज करना है हमें, जे के बाद अरेंज करना है एल को। जैक के बाद लॉस्ट को अरेंज करना था, ठीक है। तो यहां पर सिक्स स्टेप में गॉन के अरेंज होते ही गॉन और जैक दोनों भी अपने आप अरेंज, मतलब जैक अपने आप अरेंज हो चुका है, ठीक है। सातवीं स्टेप देखते हैं, 42, 48, डियर ईयर गॉन, यहां पर ये जैक एज इट इज, इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा लॉस्ट, यहां पर क्या आ जाएगा क्विन, यहां पर 64, 76 एंड 84, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएंगे सारे स्टेप्स। ओके, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे सारे के सारे आपके पास होंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिखाना सर प्लीज, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, हम यहां पर इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीन पर आते हैं सर। 36 नंबर का क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द गिवन अरेंजमेंट, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा था कि इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, कितने स्टेप्स लग रहे हैं यहां पर, 7 स्टेप। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कितने होने चाहिए थे, 7, जो कि हमें दिया था ऑप्शन डी में। तो 36 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा था विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। स्टेप हमें कौन सी बोली थी, क्वेश्चन नंबर 37 में विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, स्टेप क्या बोली थी, 42, 48, 52। इसका मतलब ये स्टेप यहां से आगे कहीं तो होनी चाहिए थी, लेफ्ट में 42, 48 एंड 52 यही से आगे मिलेंगे हमें सीक्वेंस में, ठीक है। आगे क्या दिए है चेक करते हैं, डियर ईयर जैक, डियर ईयर जैक ये सीक्वेंस में चाहिए। इसके बाद यहां पर डियर नहीं दिखता है, मतलब ये स्टेप तो होगी नहीं, डियर दिखता है ईयर नहीं है, ये भी नहीं होगी। डियर ईयर जैक यहां पर ये हो सकती है, आगे का सीक्वेंस चेक करते हैं। आगे दिया है क्वीन लॉस्ट गॉन, क्वीन लॉस्ट गॉन 64, 76 एंड 84 जो कि हमें यहां पर दिया था। तो ये कौन सी स्टेप हो गई जो अभी हमने देखी है, ये स्टेप हो गई स्टेप नंबर 5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 37 का ऑप्शन सी था जिसमें दिया था ये स्टेप नंबर 5 होगी, ठीक है। ये 36 सॉल्व कर लिया, 37 सॉल्व कर लिया। यहां पर 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 1। अब कुछ भी नहीं करना था, इसमें से जो भी ऑप्शन इसके साथ मैच होता उसको हमें क्या करना था, यहां पर आंसर मार्क करना था, ठीक है। ये ऑप्शन हमें मिलता है ऑप्शन डी में, तो 38 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। जैसे ही हमें ये सारे स्टेप्स मिलते हैं हम यहां से जल्द क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते, ठीक है। जो दो क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। यहां पर 39 एंड 40 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 39 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है फाइनल अरेंजमेंट कौन सी होगी,
फाइनल अरेंजमेंट मतलब हमें क्या देखना है, फाइनल अरेंजमेंट में हमें देखना है कि जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये लास्ट स्टेप कौन सी होगी। फाइनल अरेंजमेंट मतलब लास्ट स्टेप कौन सी होगी। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ये स्टेप मिलती है 42, 48, 52, डियर ईयर गॉन, जैक लॉस्ट क्विन, ठीक है 64, 76 एंड 84। ये ऑप्शन मिलता है हमें ऑप्शन बी में। 39 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है चलो, 39 क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें ऑप्शन बी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 40th नंबर का क्वेश्चन। इन स्टेप 5 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्लैश नंबर वुड बी एट 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट। कौन से स्टेप में, स्टेप 4 में राइट से 7th एलिमेंट कौन सा है। सर स्लाइड हटाना एक बार, सर स्लाइड हटाना। ठीक है, कौन सी स्टेप पूछी है हमें, स्टेप नंबर 4। इसमें क्या पूछा है, राइट से 7, 3 ये चले गए, 4, 5, 6 और 7। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वीन जो दिया है हमें ऑप्शन ए में। 48th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक बार सारे स्टेप्स हमें मिलते हैं तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन जो हमें पूछे गए हैं उनका आंसर निकालने के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां पर हमने इनपुट आउटपुट भी टैकल कर लिया है। इसके बाद 40 नंबर के बाद हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन थे ये देखते हैं और फिर देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पर 41 से 43 तक कुछ डायरेक्शंस मिलती हैं। ठीक है, ये डायरेक्शंस क्या है, इन एक्सिस एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, इन एक्स वाई एक्सिस एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ वाई एंड वाई इज इन साउथ डायरेक्शन। एक्सिस एक्स वाई में हमें क्या दिया है, एक्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और वाई जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे भी दी जाती है इंफॉर्मेशन बस उसको समझो और उसके मुताबिक डायग्राम ड्रॉ करते चलो, बाकी कुछ नहीं करना है। डायरेक्शन डिस्टेंस के आंसर अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, बस जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उनको समझना है और उसके हिसाब से करते जाना है। इन के एल एक्सिस के इज इन वेस्ट डायरेक्शन एंड एल इज इन ईस्ट डायरेक्शन एंड पॉइंट ओ इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स वाई एक्सिस एंड के एल एक्सिस। क्या दिया था, एक्स वाई एक्सिस को के एल एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, के एल एक्सिस में के जो है वो वेस्ट में है एंड एल जो है वो ईस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा के एल एक्सिस, ये रहा एल और ये रहा हमारा के। ठीक है, ये है हमारा के एल एक्सिस और ये कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं दोनों भी एक्सिस, पॉइंट ओ में। आगे क्या दिया है, आगे दिया है हमें डिस्टेंस बिटवीन के एंड ओ इज 7 मीटर। के एंड ओ के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 7 मीटर। उसके बाद अगर आगे देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एल इज 5 मीटर। ओ एंड एल इज डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 5 मीटर। आगे क्या दिया है हमें, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड पॉइंट ओ इज 10 मीटर। वाई और ओ के बीच का डिस्टेंस कितना है यहां पर, 10 मीटर है। उसके आगे अगर हम देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ओ इज 6 मीटर। एक्स और ओ के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 6 मीटर्स दिया है। पॉइंट टी इज 8 मीटर ऑफ एक्स, 8 मीटर वेस्ट ऑफ एक्स एक्सिस। पॉइंट टी जो है इज 8 मीटर वेस्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ये क्या होना चाहिए, वेस्ट में कितना होना चाहिए था, 8 मीटर की दूरी पर। ठीक है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या हमें, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ फ्रॉम एल। पॉइंट जी जो है ये एल से 5 मीटर साउथ पर है। ठीक है, 5 मीटर साउथ पर मतलब इसका एग्जैक्टली हाफ आना चाहिए था। ठीक है, पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ फ्रॉम एल। ओके, यहाँ पर टी कहाँ दिया था हमें, एक्स के 8 मीटर वेस्ट में। 8 मीटर वेस्ट मतलब इससे थोड़ा आगे आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको ड्रॉ करेंगे, टी को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारे डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, आगे क्या दिया है देखो, पॉइंट जी हो गया, पॉइंट एच इज इन ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। पॉइंट एच इज इन ईस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। एच जो है जी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ये हमें दिया था यहां पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन दी थी हमें उस इन्फॉर्मेशन को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दी है।
41 नंबर का क्वेश्चन देखो यहां पर, पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. वाई एक्सिस मतलब ये जो पॉइंट था, ठीक है, वाई एक्सिस मतलब यहां पे क्या, ये जो पॉइंट वाई था इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट जी कौन सी डायरेक्शन में है. ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, जो है हमारे पास ऑप्शन ई में. तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन ई. 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ई, क्योंकि वाई के नॉर्थ ईस्ट में ये जी है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 हमारे स्क्रीन पर है. क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 42 में हमें दिया गया है इफ पॉइंट सी इज बिटवीन ओ एंड वाई. पॉइंट सी जो है वो ओ एंड वाई के बीच में है. ओ एंड वाई के बीच में मतलब 5 मीटर से इस लाइन से नीचे और यहां से 5 मीटर ऊपर. अगर ये हमें समझ में आता है तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए थे, ये तुरंत समझ में आना चाहिए था. ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एच. सी और एच के बीच का हमें यहां पर क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है. अब हमें यहां से एक चीज तो पता चल गई ना, कि ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है. ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए था. हमें डिस्टेंस निकालना कौन सा है, सी टू एच. ये निकालने के लिए सी से जी तो हमें पता है 5 है, ठीक है, पर जी से एच कितना है ये दिया है क्या हमें. ठीक है, जी से लेकर एच तक कितना डिस्टेंस है ये हमें दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कहां पर भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इसका आंसर होना चाहिए था 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई होना चाहिए था. ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई. 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट बिटवीन पॉइंट ओ एंड टी. ओ एंड टी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वैसे ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये ओरली आना चाहिए था. 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो टी और ओ के बीच का डिस्टेंस 10, यानी ऑप्शन बी. 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था, ऑप्शन बी. इस तरीके से हमने यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं. ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 मिनट तक का टाइम हमें लगना चाहिए था. ठीक है, मैं यहाँ पर बोल के भी कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि ये डिस्कशन को कितना टाइम लगा है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर बस ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हमें आते नहीं है, ये क्वेश्चन हमें आते ही है, पर एग्जाम किस अप्रोच से अटेम्प्ट करने चाहिए थी ये हम यहाँ पर देख रहे हैं. जैसे ही हम डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट किया होगा आपने, आपको ये एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन मिला होगा. ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है, आपको सारे टेक्निक्स पता है, तो मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन पहले ही राउंड में सॉल्व करने चाहिए. क्योंकि यहाँ पर एक बात ये होती है कि एनालिटिकल रीजनिंग में एक तो पढ़ने के बाद आंसर आता है या नहीं आता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस अगर हमने की है एनालिटिकल रीजनिंग की, तो या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये हमें पता होगा. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट डेटा पब्लिश ट्यूजडे रिवील्ड दैट द कंट्रीज लेबर शॉर्टेज हैज रिस्ट इज मोस्ट एक्सट्रीम लेवल इन मोर देन 40 ईयर्स. क्या दिया है हमें यहाँ पर, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है और उस रिपोर्ट में लेबर शॉर्टेज के बारे में कुछ जानकारी दी गई है. लेबर का शॉर्टेज पिछले 40 साल में जितना नहीं था उतने मैक्सिमम पिक पे पहुंचा गया है. मतलब लेबर शॉर्टेज मतलब, ये कंसेप्ट पहले समझ लो, लेबर शॉर्टेज मतलब काम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है पर उसको करने के लिए लोग ही अवेलेबल नहीं है. ठीक है, मतलब 10 लोगों का काम अवेलेबल है जो 10 लोग कंप्लीट कर सकते हैं और उसको करने के लिए हमारे पास सिर्फ 5-6 लोग अवेलेबल है. ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट थी, लेबर शॉर्टेज. ठीक है, आगे क्या दिया है, जापान नाउ हैज 1.48 जॉब्स एवरी एप्लीकेंट. मतलब अगर मैं अप्लाई करने के लिए जाता हूँ तो मुझे तो एक ही जॉब चाहिए. ठीक है, पर ऐसे हर एक एप्लीकेंट के लिए वहाँ पर अभी इंडेक्स क्या है, 1.48. ठीक है, मतलब लोगों के हिसाब से वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है. इन शॉर्ट ये लेबर शॉर्टेज की ही बात कर रहा है. कौन सी कंट्री में चल रही है ये बात, जापान की बात चल रही है. आगे देखते हैं, दैट्स द हाइएस्ट नंबर सिंस 1974 वेन रैपिड ग्रोथ पुश्ड द रेशो टू 1.53. ठीक है, ये क्या कह रहा है आगे, ये जो रेशो अभी मिला है ये 1974 से
अगर कंसिडर करते हैं तो वहां से लेकर आज तक का हाइएस्ट रेशो है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। इट ऑल्सो एक्सीड्स द लेबर शॉर्टेज पिक जापान हिट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बबल इन द अर्ली 1990s। आगे हमें दिया है कि 1990s में जापान में जो इकोनॉमिक बबल आ गया था, मतलब वो 1990s के आसपास जापान की इकोनॉमी जो एकदम से अचानक से बड़ी हुई थी। इकोनॉमी बढ़ती है मतलब वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। ठीक है, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है तो लेबर भी बढ़ने चाहिए थे, है ना, पर उस हिसाब से हुआ नहीं था। तो 1990s में जिस तरीके का लेबर शॉर्टेज था उसको भी अभी के लेबर शॉर्टेज ने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है जापान में क्रिएट हुए लेबर शॉर्टेज के बारे में दी हुई है। ठीक है, ये तो हमने समझी है इंफॉर्मेशन। अब इसके ऊपर हमें आंसर क्या करना है ये देखते हैं। ठीक है, हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड द जापानीज गवर्नमेंट टेक टू इंप्रूवमेंट द करंट सिनारियो। क्या बोला है कि जो भी ऊपर सिनारियो दिया है उसको रिजोल्व करने के लिए और उसको इंप्रूव करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट में इनमें से कौन से स्टेप्स लेने चाहिए थे। अगर थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा, ये जो चैप्टर है हमारा ये है कोर्स ऑफ एक्शन से। ये चैप्टर कौन सा है हमारा, कोर्स ऑफ एक्शन। दी हुई सिचुएशन पे हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना है, यानी हमें क्या करना है उस पर एक्शन लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर पहला क्या दिया है, द गवर्नमेंट शुड गिव इंसेंटिव्स एंड पर्क्स टू ओल्डर पीपल एंड वुमन टू एनकरेज देम टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। ध्यान से समझना पहला पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जापानीज गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए, उनके जो ओल्डर पीपल है उनके कंट्री में उनको इंसेंटिव्स और पर्क्स देने चाहिए, एडिशनल बेनिफिट्स देने चाहिए, और उनको एनकरेज करना चाहिए कि अगर आप वर्कफोर्स में ज्वाइन होते हो तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, क्या ये जापानीज गवर्नमेंट को करना चाहिए था। कोर्स ऑफ एक्शन का मकसद बेसिकली क्या होता है, दिए हुए प्रॉब्लम पे सोल्यूशन निकालना। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कुछ भी सजेशन यहाँ पे मिल रहा है पहले ऑप्शन में, ये इस सजेशन से क्या हो रहा है, वर्क फोर्स में इंक्रीज हो रहा है। अगर ये पहला सजेशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर वर्क फोर्स में बढ़ोतरी होगी, है ना, मतलब लेबर शॉर्टेज का जो मेन कंसर्न दी हुई इंफॉर्मेशन में एड्रेस किया जा रहा था वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन या फिर पहली जो भी स्टेप है वो क्या करनी चाहिए थी, हमें फॉलो करनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि ऊपर जो कुछ भी बात हो रही है सारी की सारी किस रिलेटेड हो रही है, लेबर शॉर्टेज की। अगर पहली स्टेप इंप्लीमेंट की जाती है तो लेबर शॉर्टेज कुछ हद तक कम हो सकता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्या दिया है, द गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर इट्स इमिग्रेशन पॉलिसीज। जापानीज गवर्नमेंट को उनकी जो कुछ भी इमिग्रेशन पॉलिसीज है, इमिग्रेशन पॉलिसीज का मतलब सबसे पहले समझते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी मतलब अगर कोई दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज। मतलब बाहर के लोग, बाहर की यूथ अगर हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आना चाहती है, ठीक है, या फिर किसी भी पर्पज से हमारे यहाँ मूव होना चाहती है, तो बाहर के लोगों का हमारे कंट्री में जो मूवमेंट होता है उसको कहा जाता है इमिग्रेशन। ठीक है, अगर जापानीज गवर्नमेंट उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज रिकंसिडर करती है, रिकंसिडर मतलब क्या, उनकी जो करंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उनके ऊपर वो सोच विचार करके कुछ अगर उसमें फ्लॉज रहेंगे तो वो हटाकर या फिर बाकी के जो भी यूथ है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी अट्रैक्टिव वगैरह देंगे तो क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रिकंसिडर का मतलब ये सारी चीज़ है। ठीक है, अगर इमिग्रेशन पॉलिसी किससे रिलेटेड है, बाहर के लोग अपने कंट्री में आने से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये रिवाइज हो गया और एनी हाउ जो रिवाइज्ड पॉलिसी थी उस रिवाइज्ड पॉलिसी से अगर बाहर के यूथ को यहाँ पर आके काम करने की एनकरेजमेंट मिल गई तो यहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज का इशू था ये भी सॉर्ट आउट हो सकता था, है ना। तो यहाँ पर ये जो दूसरी स्टेप यहाँ पर सजेस्ट की थी ये भी क्या होनी चाहिए थी, फॉलो होनी चाहिए थी या फिर ये भी एक्शन होनी चाहिए थी। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब जो भी हमें प्रॉब्लम या सिचुएशन दी है उसमें से बाहर निकालने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसी का मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन।
थर्ड देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन. एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन करनी चाहिए थी. अब लेबर शॉर्टेज जो है उसका और एजुकेशन सिस्टम का डायरेक्ट रिलेशन है क्या, जरा सोच के देखो. और है तो एजुकेशन सिस्टम में अब हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स हमें कब मिलने वाले, बहुत बाद मिलने वाले, ठीक है. तो ये यहाँ पर ये एक्शन करके ये जो अभी लेबर शॉर्टेज हुआ है इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है क्या हमें, यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है. तो यहाँ पर ये तीसरा जो है ये गलत होना चाहिए था. चौथा कंक्लूजन हम कंसिडर करते हैं, कंपनी शुड बी एडवाइज्ड नॉट टू यूज द प्रॉफिट्स फॉर फर्दर एक्सपेंशंस. चौथा दिया है, कंपनीज को हमें एडवाइस देनी चाहिए कि उनका प्रॉफिट एक्सपेंशन के लिए यूज मत करो. यहां पर ये चौथा कंक्लूजन थोड़ा सा डाइसी लग रहा होगा, ठीक है. अगर आप में से किसी ने ये चौथा सही किया है तो फिर थोड़ा सा डाइसी लग रहा होगा, ठीक है. देखो, एक्सपेंशन होने से वर्कफोर्स ज्यादा बढ़नी चाहिए. अगर जॉब एक्सपेंशन, कोई भी कंपनी अपना एक्सपेंशन करती है तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए, है ना. तो यहां पर ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है और कोई कंपनी एक्सपांड कर रही है तो ये लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम जो है ये और बड़ा हो जाएगा, है ना. तो इस हिसाब से क्या हमें कंपनीज को डायरेक्शंस देने चाहिए थे कि आप अपना एक्सपेंशन मत करो, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, ठीक है. क्योंकि अगर कंपनीज एक्सपांड कर रही है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ठीक है. लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर लेबर शॉर्टेज का प्रॉब्लम जो ज्यादा मेजर नहीं था उसके चलते अगर हम डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये ज्यादा सही बात नहीं है. इसीलिए यहां पर हमें फोर्थ भी फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो यहां पर सिर्फ वन एंड टू स्टेप्स फॉलो होने चाहिए थे. तो वन एंड टू ऑप्शन है क्या हमारे पास, वन एंड टू तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है. तो इसमें 44 में जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन ई. ऑप्शन ई क्या कहता है, ऑल एक्सेप्ट 3 एंड 4, तीन और चार को छोड़कर सब, यानी इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, ओनली 1 एंड 2, ठीक है. तो ये रहा 44 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन. आई होप सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है. हम बढ़ते हैं 45th क्वेश्चन पर. तो 45th क्वेश्चन अगेन हमारे स्क्रीन पर है. 45th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फिर से एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है. द मद्रास हाई कोर्ट हैज पुट ऑन होल्ड द सेंटर्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर फॉर 4 weeks एंड हैज आस्क्ड इट टू रिस्पॉन्ड विद इन दैट टाइम ऑन व्हाई इट्स ऑर्डर शुड नॉट बी स्क्रैप्ड. मद्रास हाईकोर्ट ने जो सेंटर का डिसीजन था क्या, कि यहां पर कैटल्स का जो परचेज एंड सेल होता था स्लॉटरिंग के लिए, ठीक है, कैटल स्लॉटर मतलब उनको खाने या किसी और पर्पज के लिए अगर यूज करना है, इसके लिए इनका कोई भी सेल एंड परचेज अगर होता है तो इसके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, ठीक है. पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया है, इसके ऊपर होल्ड रखा गया है. मतलब सेंटर ने जो बैन डाला था उस बैन को मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि रुको, अभी आप वो बैन नहीं लगा सकते हो, आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि हम इस बैन को कैंसिल क्यों ना करें, स्क्रैप क्यों ना करें, इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिली है. अगेन एनालिटिकल रीजनिंग में इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है. इंफॉर्मेशन के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो भी उस चैप्टर का कोर होता है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है. आगे क्या दिया है देखते हैं. इट हैज ऑल्सो सॉट अ रिप्लाई फ्रॉम तमिलनाडु गवर्नमेंट. इट मतलब कौन, मद्रास हाईकोर्ट. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी रिप्लाई मांगा. चलो ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी है. मतलब मद्रास हाईकोर्ट ने जो सेंटर ने बैन डाला था उसको बैन होल्ड पे रखा है और तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी इसको रिप्लाई मांगा है. ऑप्शन क्या दिया है और करना क्या है ये देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोटिवेशन बिहाइंड मद्रास हाईकोर्ट्स डिसीजन. अब देखना यहां पर मोटिवेशन बिहाइंड मद्रास हाईकोर्ट्स डिसीजन, मद्रास के हाईकोर्ट के डिसीजन के पीछे का मोटिवेशन कहना क्या चाह रहा है. सीधा सीधा हमें यहां पर कॉज पूछ रहा है, ठीक है. इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा क्या पूछना चाह रहा है, जो भी जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया है, सीधा सीधा 45th क्वेश्चन का हमें कॉज पूछना चाह रहा है कि ये मद्रास हाईकोर्ट ने जो कुछ भी किया ये क्यों किया है भाई,
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर से था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया करो, ठीक है। अब हम पहला देखते हैं। पहला क्या दिया है, सेंटर्स न्यू ऑर्डर वायलेट्स द बेसिक राइट ऑफ अ पर्सन टू चूज व्हाट ही ईट्स। पहला रीजन क्या दिया है कि ये रीजन हो सकता है क्या, हमें चेक करना है। यहां पर जो भी रीजंस दिए हैं उनकी वैलिडिटी हमें चैलेंज नहीं करनी, ठीक है। ये जो भी रीजंस हमें दिए सारे के सारे सही मान्य है, ओके। और उस हिसाब से हमें चीजों को इवैल्यूएट करना है। यहां पर पहली फैक्ट क्या दी है हमें, सेंटर की ये जो नई ऑर्डर है वो हर एक इंसान का वो क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता, ये जो उसका बेसिक राइट है उसको वायलेट कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्या मद्रास हाईकोर्ट ने इसके ऊपर बैन डाला होगा या जो उनका डिसीजन था उसको होल्ड पे रखा गया होगा? बिल्कुल, इसी के चलते तो मद्रास हाईकोर्ट ने उसको होल्ड पे रखा गया होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का काम क्या होता है, जो भी राइट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखना हाईकोर्ट का काम होता है, ठीक है। या किसी भी कोर्ट का, जो भी हमारे अधिकार है उन अधिकार्स को अबाधित रखना हाईकोर्ट का काम होता है, ठीक है। चलो, तो पहला यहां पर बिल्कुल इसका कॉज हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा यहां पर क्या दिया है हमें, द बैन ऑन सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर एट एनिमल मार्केट्स इम्पिंजेस अपॉन पीपल्स राइट टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन और ट्रेड। यहां पर लोगों के और एक राइट के बारे में बात हो रही है। अगर कोई भी सरकार किसी पर्टिकुलर चीज पर बैन करते, यानी फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या दिया है, कैटल स्लॉटरिंग पर, कैटल स्लॉटरिंग अगर सरकार ने बैन कर दिया तो यहां पर एक राइट क्या था कि लोगों को एक राइट है, अधिकार है कि वो किस चीज का व्यापार कर सकते हैं, किस चीज का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कर दिया तो उनके ट्रेडिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरा भी क्या होना चाहिए, पॉसिबल रीजन होना चाहिए, है ना। तो ये भी रीजन हो सकता है जिसके चलते हाईकोर्ट ने सेंटर का डिसीजन होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, उस डिसीजन से राइट्स वायलेट हो रहे हैं। पहले में भी क्या हो रहा था, सेंटर के डिसीजन से राइट वायलेट हो रहे थे, इसीलिए हाईकोर्ट ने उसको होल्ड पे रखा। तीसरा चेक करते हैं, अबाउट 80 स्टूडेंट्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIT मद्रास प्रोटेस्टेड बाय होल्डिंग बी फेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ सच फेस्ट हैव ऑल्सो बीन हेल्ड इन केरला, ठीक है। क्या ये रीजन हो सकता है, 80 स्टूडेंट ने एक प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। क्या कोई भी हाईकोर्ट किसी भी प्रोटेस्ट को ध्यान में रख के डिसीजन देता है या फिर किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर को ध्यान में रख के डिसीजन देता है, ठीक है। यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है, हाईकोर्ट का काम होता है जो भी लॉज है उनको सामने रखते हुए डिसीजन लेना, ठीक है। तो यहां पर तीसरा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से बैन लगा देना या फिर होल्ड पर रखना यह सही नहीं होगा, ठीक है। जो भी रूल बुक होता है उस रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना कोर्ट का काम होता है, ओके। तो ये रहा हमारे 45th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर कौन से क्या करने थे हमें, पॉसिबल मोटिवेशन हो सकते थे। तो यहां पर 1 और 2 इसका मोटिवेशन हो सकता था, और ये ऑप्शन किसमें दिया है हमें, ऑप्शन ई में। तो 45th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। 45th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। इस तरीके से हमने यहां पे 45th क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अभी हमारे स्क्रीन पर 46 to 50 क्वेश्चन के लिए फिर से पजल है हमारे पास। जैसे ही पजल दिखते हैं अब हमें क्या करना है, तुरंत इसका पहला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू डालना है। 46 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे, ठीक है। सो स्क्रीन पे आते हैं। अब देखो हमने 1 से चालू किया, 50 तक आ गए, ठीक है। क्या किया हमने, पजल छोड़कर बाकी जो कुछ भी हमें मिलता है फर्स्ट राउंड में हमने सारा का सारा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहां से आगे हम पजल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब तक हमने पजल छोड़कर सारा पार्ट डील किया है, अब हमें पजल्स को टैकल करना है, ठीक है। पजल, पहली पजल देखते हैं जो हमने स्किप की थी। सब पजल दिखाना प्लीज। ये पजल है, पजल क्या है, 7 प्रोफेसर्स 3 सब्जेक्ट को इवैल्यूएट कर ले, और हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 टीचर्स आने चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश,
ये तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, हर सब्जेक्ट में कम से कम दो होने चाहिए, ओके। अब देखो यहां पर हमने बेस किसको लिया है, यहां पर सब्जेक्ट को, ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो सके। पहला दिया है हमें ए डज नॉट इवेल्युएट एनी लैंग्वेज पेपर, ए कोई भी लैंग्वेज पेपर को इवेल्युएट नहीं करता है। लैंग्वेज कौन कौन से हमारे पास, हिंदी इंग्लिश, ए कंपल्सरी क्या होना चाहिए, मैथ्स में होना चाहिए, ठीक है, ए को लैंग्वेज नहीं मतलब ए मैथ्स में। डी एंड एफ इवेल्युएट सेम पेपर बट नॉट विद द जी, डी और एफ दोनों भी सेम पेपर इवेल्युएट करते हैं पर ये किसके साथ नहीं आने चाहिए, जी के साथ नहीं आने चाहिए, चलो नोट डाउन कर लिया। आगे ई इवेल्युएट ओनली विथ वन पर्सन, ई के साथ सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन और आएगा, ठीक है, मतलब ई जिस भी सब्जेक्ट में होगा उस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ दो टीचर आने चाहिए थे, ठीक है। चलो आगे सी इवेल्युएट्स हिंदी पेपर, सी जो है वो कौन सा पेपर इवेल्युएट करता है, हिंदी का पेपर। बी नाइदर इवेल्युएट्स हिंदी नॉर मैथमेटिक्स, बी हिंदी भी नहीं इवेल्युएट करता, मैथमेटिक्स भी नहीं, बी के लिए सब्जेक्ट कौन सा बचता है, इंग्लिश, ठीक है। आगे ई नाइदर इवेल्युएट्स हिंदी नॉर इंग्लिश, ई हिंदी भी इवेल्युएट नहीं करता है, इंग्लिश भी इवेल्युएट नहीं करता है, ई कहां पर आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था, ठीक है। ई के साथ सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर अब मैथ्स में कोई भी नहीं आ सकता, मैथ्स का पार्ट पूरा हो गया, ठीक है, ई के साथ सिर्फ एक था, मैथ्स का पार्ट पूरा हो गया। आगे इंग्लिश पेपर इवेल्युएट्स नॉट मोर देन बाय टू प्रोफेसर, इंग्लिश पेपर इज नॉट इवेल्युएटेड बाय मोर देन टू प्रोफेसर्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास पॉइंट क्या था, डी और एफ साथ में होने चाहिए थे, डी और एफ साथ में हम यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। अगर हमने डी एफ यहां पर साथ में ले लिए, डी एफ ऑलरेडी बी है, इंग्लिश में कितने लोग हो जाएंगे, तीन, और जो कि अलाउड नहीं रहेगा, तो डी एफ यहां पर नहीं आने चाहिए, डी एफ यहां पर आने चाहिए थे, बचा कौन, जी, जी आ जाएगा यहां पर, सारी पजल का सोल्यूशन हमें मिल गया, ठीक है। सॉल्व करने जाते हैं तो ये एक मिनट के अंदर सॉल्व होने वाली पजल है, ठीक है, बस बेस हमारा सही होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं, सर क्वेश्चन दिखाना प्लीज। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है इस पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेल्युएटेड बाय एफ, एफ कौन सा सब्जेक्ट इवेल्युएट करता है, एफ कौन सा सब्जेक्ट इवेल्युएट करता है, हिंदी, तो 6th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इवेल्युएट्स मैथमेटिक्स पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर कौन इवेल्युएट करता है, ए एंड ई, ए एंड ई अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 7th क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इवेल्युएट्स हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पेपर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली के ऊपर ध्यान देना है, मतलब हिंदी जो इवेल्युएट करना है पहला ही आना चाहिए, इंग्लिश जो इवेल्युएट करना है दूसरा ही आना चाहिए, मैथमेटिक्स जो इवेल्युएट कर रहा है वो तीसरा ही आना चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर हम ऐसा ऑप्शन ढूंढने जाएंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल तीन लोग अगर दिए हैं तो तीन में से पहला हिंदी वाला चाहिए, ठीक है, दूसरा इंग्लिश वाला, तीसरा मैथमेटिक्स वाला, रिस्पेक्टिवली ये वर्ड दिया है इस वजह से इसको ये मीनिंग मिलता है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। देखते हैं बाकी दो क्वेश्चंस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना प्लीज। 4 ऑफ द 4 फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, इनमें से चार एक जैसे है बाकी कौन से ग्रुप लोग बिलोंग नहीं करते, सी एंड डी, सी एंड डी एक ही सब्जेक्ट का इवेल्युएशन करते हैं, जी एंड बी एक ही सब्जेक्ट का इवेल्युएशन करते हैं, एफ एंड जी अलग अलग सब्जेक्ट का इवेल्युएशन कर रहे हैं, इसका मतलब 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या दिया है, 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डी, डी के रिगार्डिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, सी एंड एफ इवेल्युएट सेम पेपर विथ डी, सी और एफ डी के साथ एक ही पेपर इवेल्युएट करते हैं, बात बिल्कुल सही है, डी एंड बी आर नॉट इवेल्युएटिंग सेम पेपर, डी और बी एक ही पेपर इवेल्युएट नहीं करते, ये भी बात सही है, डी इवेल्युएट्स लैंग्वेज पेपर, डी लैंग्वेज का पेपर इवेल्युएट करता है, बात ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑल आर ट्रू एंड नन इज ट्रू,
इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी, जो कि कह रहा है ऑल आर ट्रू. ओके, तो ये एकदम सिंपल सी पजल थी, हार्डली 2 मिनट के अंदर इसके ऊपर जो भी 5 क्वेश्चन पूछे थे वो 5 के 5 सॉल्व होने चाहिए थे. अब हम बढ़ते हैं हमने जो नेक्स्ट पजल स्किप की थी उसके ऊपर. अब देखो हमने 14th नंबर पे क्वेश्चन पजल स्किप की थी, उस पजल को सॉल्व करते हैं. पजल का इंट्रोडक्शन कैसा था, किसी दिवाली के फेस्टिवल में 8 लोग शॉपिंग के लिए गए थे, उन्होंने अलग अलग क्या किया था, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं. कुछ लोगों का फेसिंग अंदर की तरफ है, कुछ लोगों का फेसिंग बाहर की तरफ है, ठीक है. और जो बाहर की तरफ लोग देख रहे हैं ऐसे कोई भी 2 लोग एक साथ नहीं बैठते हैं, ये पहले पैराग्राफ में हमें इन्फॉर्मेशन दी थी. लास्ट लाइन क्या थी, 2 persons who are facing outside from the center are not immediate neighbors of each other. जो सेंटर से बाहर देख रहे हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं होने चाहिए थे, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी. तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस बना लेते हैं. सर्क्यूलर टेबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है. एक पॉइंट बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाहर देखने वाले 2 लोग साथ साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है. पजल की कंडीशंस देखते हैं क्या क्या है. स्लाइड दिखाना सर. देखो यहां पर हमें पहला क्या दिया था, द वन हु परचेस कूलर सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ वाई, ठीक है. जो कूलर परचेस करता है वो वाई के 3rd राइट में बैठता है. वाई यहां पर, वाई का राइट डिसाइड करने के लिए वाई की फेसिंग डायरेक्शन पता होनी चाहिए. वाई की फेसिंग डायरेक्शन पता है क्या हमें, नहीं है, ठीक है. तो यहां पर केस क्या बनेगी, हो सकता है वाई अंदर देख रहा हो सकता है वाई बाहर देख रहा हो, ठीक है. दूसरी केस बनती है, तुरंत दूसरी केस बना लेते हैं, ठीक है. तो इसमें वाई यहां पर कंसीडर करेंगे बाहर की तरफ फेस है, वाई यहां पर कंसीडर करेंगे अंदर की तरफ फेस है, ठीक है. जिसने कूलर परचेस किया है वाई के 3rd राइट में बैठा हुआ है, 1st, 2nd, 3rd राइट, यहां पर क्या आना चाहिए था, कूलर, ठीक. वाई यहां पर बैठा हुआ है इसके 3rd राइट में, 1st, 2nd, 3rd राइट, यहां पर क्या आना चाहिए था, कूलर. कोई कंफ्यूजन नहीं है फर्स्ट पॉइंट में, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी हमने यहां पे ले ली. आगे दिया है, एक्स एंड यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. पॉइंट क्या है, एक्स और यू जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स नहीं होने चाहिए, एक्स और यू बाजू बाजू में नहीं आने चाहिए, ठीक है. यू फेसिंग इनसाइड द सेंटर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ वाई बट नॉट सिट अपोजिट टू द वन हु परचेस कूलर. पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो, यू जो है वो वाई के बाजू में बैठता है, ठीक है. यू जो है वो वाई के बाजू में बैठता है और उसका फेस सेंटर की तरफ है, ठीक है, वाई के बाजू में, पर वो उसके सामने नहीं बैठता है जिसने कूलर खरीदा है. वाई के साथ में होना चाहिए, अंदर की तरफ फेस होना चाहिए, कूलर के सामने नहीं चाहिए. यू से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है. तो यू यहां आएगा नहीं, यू यहां पर आ जाएगा. इस केस में उसका फेस कहाँ होना चाहिए, अंदर, ठीक है. इस केस में यू यहाँ यहाँ आ सकता है, यहाँ ले नहीं पाएंगे, कूलर के सामने हो जाएगा. इस केस में यू कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर. फेस कहाँ होना चाहिए था यू का, अंदर की तरफ, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर. आगे देखो क्या दिया है, एस एंड वी सेकेंड राइट टू ईच अदर, वी एंड वाई आर इमीडिएट नेबर्स. एस और वी जो है दोनों एक दूसरे के सेकेंड राइट में थे और Y और V एक दूसरे के नेबर होने चाहिए, ठीक है. U यहां पर है, Y यहां पर है, तो Y के ये बाजू में V आने का चांस ही नहीं था. कॉमन सेंस कहता है V यहां पर होना चाहिए, इसमें कॉमन सेंस कहता है V यहां पर होना चाहिए, ठीक है. अब V का सेकेंड राइट तय करने के लिए V की फेसिंग डायरेक्शन पता होना जरूरी है, नहीं है, चेक करते हैं. V अगर बाहर की तरफ फेस करता है, V अगर बाहर की तरफ फेस करता है तो सेकेंड राइट S यहां पर आना चाहिए था, पर आ नहीं सकता है. इसका मतलब V का फेस बाहर की तरफ हो नहीं सकता. V का फेस कहां होना चाहिए, अंदर की तरफ. फर्स्ट सेकेंड राइट यहां पर कौन आ जाएगा, S. अब V भी S के सेकेंड राइट में था, यही पॉइंट था ना हमारा, एक दूसरे के सेकेंड राइट में बैठते हैं. तो S ने अंदर देख लिया तो इसका राइट ये हो जाएगा, सेकेंड राइट हो नहीं सकता है. तो S का फेस इस केस में कंपलसरी कहा होना चाहिए, बाहर की तरफ, तो ही ये एक दूसरे के सेकेंड राइट में पॉसिबल है. इस केस में देखते हैं क्या सीन है. V ने अगर अंदर देख लिया तो सेकेंड राइट S यहां पर होना चाहिए, पर हो नहीं सकता है. तो
तो इस केस में कंपलसरी वी कहाँ देखना चाहिए था, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ देखेंगे तो एस यहां पर आना चाहिए था फर्स्ट सेकंड राइट। अब वी भी एस के राइट में चाहिए था, एस के राइट में ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब एस अंदर की तरफ फेस करेगा, क्योंकि बाहर करेगा तो एस का राइट ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने इतनी जो भी स्क्रीन पर आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना सर प्लीज। वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हु परचेजेस मिक्सर, वी कहां पर बैठता है, जिसने मिक्सर की शॉपिंग की है उसके सेकंड राइट में, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर तो मिक्सर आने, ये वी है यहां पर, ठीक है, तो सेकंड राइट मतलब एक का गैप आना चाहिए था, एक गैप छोड़कर मान लो मिक्सर हम यहां पर लेते हैं तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा तो मिक्सर यहां आएगा नहीं, यहां पर ये कंफर्म हो जाएगा कि मिक्सर किसने खरीदा है, एस ने, तभी जाके मिक्सर का ये सेकंड राइट हो सकता है। यहां पर इसका फेस अंदर की तरफ होने की वजह से मिक्सर यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि उस केस में मिक्सर का सेकंड राइट भी नहीं हो पाएगा। यहां पर देखते हैं, मिक्सर यहां पर भी ले लेंगे तो भी वी का सेकंड राइट है, मतलब वी उसका सेकंड राइट है, और मिक्सर यहां पर भी ले लेंगे तो मिक्सर का सेकंड राइट वी है, तो इसका मतलब इस केस में मिक्सर यहां पर आ सकता है या फिर यहां पर आ सकता है, अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। इस केस में मिक्सर यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, अभी फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, वी जो है एक्स के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। ये सिचुएशन कैसी थी, एक्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए था, वी होना चाहिए था। इसको यहां पे नोट डाउन करते हैं, एक्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में वी होना चाहिए था, ठीक है। मतलब बीच में कितने आने चाहिए थे, दो, एक दो छोड़कर एक्स यहां पर आ सकता था या फिर एक दो छोड़कर एक्स यहां पर आ सकता था, ठीक है। पर यहां पर एक पॉइंट क्या दिया है, देखो यू और एक्स साथ में नहीं होने चाहिए, तो एक्स यहां पर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना, एक्स यहां पर आ ही नहीं सकता, तो इस केस में एक्स क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्स के सेकंड थर्ड लेफ्ट में भी चाहिए था, एक्स का ये लेफ्ट होना चाहिए था, ये जो साइड है एक्स की लेफ्ट होनी चाहिए थी, इसीलिए एक्स का फेस कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, पॉइंट था हमारे पास एक्स के तीसरे लेफ्ट में भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेटिस्फाइड। यहां पे चेक करते हैं, दो का गैप छोड़कर एक्स यहां पे नहीं ले पाएंगे हम, एक्स और यू साथ में हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो, एक और दो छोड़कर यहां पर कौन आ जाएगा, कंफर्म एक्स ये कहां पर आ जाएगा, बाहर की तरफ, तभी जाके ये इसका लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है हमें, बोथ डब्ल्यू एंड जेड आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर एंड W sits second to the left of U. W Z एक दूसरे के नेबर होने चाहिए, W Z बाजू बाजू में होने चाहिए, और W जो है U के सेकेंड लेफ्ट में बैठना चाहिए, U अंदर की तरफ, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट W यहां पर आना चाहिए, ठीक है। W और Z नेबर, Z यहां पर आना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखते हैं, U के सेकेंड लेफ्ट में W आ सकता है क्या, नहीं, ये केस कैंसिल हो जाएगी, U के सेकेंड लेफ्ट में W आ नहीं सकता था, ये केस कैंसिल हो गई, हमारे पास सिर्फ एक ही केस बची है अब, ठीक है। आगे दिया है हमें, Z sits opposite to one who purchases watch. Z जो है किसके सामने बैठता है भैया, जिसने वॉच की शॉपिंग की है, मतलब Z के सामने क्या आना चाहिए था, वॉच आना चाहिए था, ठीक है। आगे दिया है हमें, बोथ T एंड W आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो T के लिए हमारे पास एक ही प्लेस बची है, कौन सी प्लेस बची है, ये वाली। क्या हम टी की फेसिंग डायरेक्शन फाइनल कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शुरू में पॉइंट क्या था, अगर कोई दो लोग बाहर देख रहे तो वो साथ में नहीं होने चाहिए थे, अगर टी यहां पर बाहर बैठेगा तो वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि एस भी बाहर देख रहा है, ठीक है। तो यहां पर टी का फेसिंग कंपलसरी कहां होना चाहिए था, अंदर की तरफ होना चाहिए था, वैसे ही W का फेसिंग कहां पर होना चाहिए था, अंदर की तरफ होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि T और W दोनों का फेसिंग डायरेक्शन हमें क्या दिया था, सेम दिया था, ठीक है। आगे क्या दिया है, S faces outside the table, ऑलरेडी हमारे पास वो कंडीशन हमें मिल चुकी है, तो इस पॉइंट का वैसे भी कोई सेंस था नहीं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना प्लीज।
द वन हु परचेजेस लैपटॉप सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड. ठीक है, जिसने लैपटॉप की शॉपिंग की है वो जेड के थर्ड लेफ्ट में बैठता है. जेड का फेसिंग फिक्स नहीं है, अंदर की तरफ लिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड लैपटॉप यहाँ पर आ सकता है. जेड का फेस बाहर लिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड लैपटॉप यहाँ पर आ सकता है. फिलहाल मिक्सर कन्फ्यूजन में है तो लैपटॉप का और एक कन्फ्यूजन आ गया. चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, लैपटॉप या तो यहाँ पर आ सकता है, लैपटॉप या यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए थी कि हमने लिखा जो है उसका मतलब क्या है. ठीक है, आगे देखते हैं. थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु परचेजेस एसी एंड द ओवन. एसी और ओवन, उनके बीच में कितने लोग बैठते हैं? तीन. मतलब साफ है, टेबल पर आठ लोग बैठे हुए हैं और कोई दो के बीच में तीन लोग आते हैं, इसका मतलब वो दोनों आमने सामने होने चाहिए. ठीक है, तो ओवन और एसी आमने सामने होने चाहिए थे. आगे दिया है, एस डज नॉट सिट एडजसेंट टू द वन हु परचेसेस ओवन. एस ओवन के बाजू में नहीं होना चाहिए. एस और ओवन बाजू बाजू में नहीं होने चाहिए. यहाँ पर वॉच है, ओवन के आने का सवाल ही नहीं है. यहाँ पर जगह खाली है पर यहाँ पर ओवन नहीं आना चाहिए. जगह खाली थी यहाँ पर ओवन नहीं आना चाहिए था. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे क्या दिया है. पर्सन्स हु परचेज मोबाइल एंड टीवी आर द इमीडिएट नेबर्स, यू डज नॉट लाइक मोबाइल. ठीक है, आखिरी पॉइंट क्या है हमारे पास, जिन्होंने मोबाइल और टीवी की शॉपिंग की है वो एडजेसेंट नेबर्स है और यू को क्या पसंद नहीं है, यू को मोबाइल पसंद नहीं है. ये पॉइंट है हमारे पास. पजल खत्म हो चुकी है. ठीक है, ये पजल यहाँ पर खत्म हो चुकी है. अब हमें जो कंडीशंस हमारे पास बची हुई है उनको रिलेट करना है. ये कंडीशंस यूज़ कर ली है हमने, एक्स और यू वाली कंडीशन यूज़ कर ली है. हमारे पास अभी कंडीशंस क्या क्या है, ये लैपटॉप, मिक्सर, ये मोबाइल, ओवन, ओवन, एसी, मोबाइल, टीवी, ये कंडीशंस हैं हमारे पास. अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में मैक्सिमम एरिया कवर होता है, तो ये कंडीशन पहले चूज करना ज़्यादा बेहतर है, ओवन और एसी. ठीक है, ओवन एसी सामने सामने देखते हैं. चार डायगोनल है, चार जगह पर उनकी प्लेसेस पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमें. यहां पर चेक करते हैं. ठीक है, ओवन और एसी क्या हम इस डायगोनल पर ले सकते हैं, यहां पर ओवन, यहां पर एसी, या फिर वाइस वर्सा. अगर हमने ओवन और एसी इस डायगोनल पर ले लिया तो एक बात जरा सोचो, ये मिक्सर कहां पर जाएगा? मिक्सर के लिए जगह ही नहीं बचेगी. इसका मतलब एसी और ओवन यहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि मिक्सर या तो यहां आना था या फिर यहां. ठीक है, तो ओवन एसी यहां पर नहीं, ओवन एसी यहां पर नहीं आ सकते, यहां पर ऑलरेडी वॉच आ चुका है. ओवन एसी यहां पर नहीं आ सकते, ऑलरेडी कूलर आ चुका है. चार में से तीन डायमीटर तो चले गए, आखिरी डायमीटर बचा हमारे पास, तो ओवन और एसी इसी डायमीटर पर आने थे. ओवन और एसी सिर्फ और सिर्फ इसी डायमीटर पर आने थे, उसमें से भी ओवन यहां पर नहीं चाहिए था, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, एसी, और यहां पर क्या आना चाहिए था, ओवन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. अब ये तो इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, मोबाइल टीवी की इंफॉर्मेशन है. ठीक है, और लैपटॉप की इंफॉर्मेशन है. अब देखते हैं लैपटॉप कहां लेंगे, यहां लेंगे या यहां लेंगे. इस जगह पर और एक चीज का कंफ्यूजन है, मिक्सर का. मिक्सर को फाइनल करने की कोशिश करते हैं. मान लो मिक्सर हम यहां पर लेते हैं, मान लो मिक्सर हम यहां पर लेते हैं. मिक्सर हमने यहां पर लिया तो मोबाइल और टीवी के लिए हमारे पास दो कंजिगेटिव प्लेसेस चाहिए थी. मिक्सर अगर हम यहां पर लेते हैं तो मोबाइल टीवी के लिए दो कंजिगेटिव प्लेसेस चाहिए थी. दो कंजिगेटिव प्लेसेस है क्या हमारे पास? नहीं है. दो कंजिगेटिव प्लेसेस हमारे पास नहीं है क्योंकि देखो कोई भी जगह खाली नहीं बचेगी. ठीक है, तो मिक्सर यहां पर नहीं आ सकता. मिक्सर अगर हमने यहां से हटा दिया तो मोबाइल और टीवी के लिए ये दो कंजिगेटिव प्लेसेस बचती है ना हमारे पास. ठीक है, तो मोबाइल और टीवी यहां पर कंपलसरी आने हैं, उसमें से भी मोबाइल यहां पर नहीं आना है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, कंपलसरी टीवी, और मोबाइल कहां पर आना चाहिए था, यहां पर. ठीक है, मोबाइल टीवी भी फाइनल कर लिया हमने. अब मिक्सर के लिए हमारे पास सिर्फ दो जगह थी, यहां पर तो टीवी आ गया, मिक्सर के एक जगह पर टीवी आ गया, मतलब मिक्सर 100% जो दूसरी जगह बची थी वहां पर फाइनल होना चाहिए था. ठीक है, अब आखिरी बचा है लैपटॉप, और ये आ गया यहां पर लैपटॉप.
ये हो गया इस पजल का सॉल्यूशन। सिर्फ दो केसेस में हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। ओके, तो जैसे ही कंफ्यूजन बनता है वैसे ही अगर हम केसेस बना लेते हैं तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो पूछे थे वो सॉल्व करके देखते हैं। अब यहां पर मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास है, आपने पेपर दिया हुआ है, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं और उनके आंसर्स यहां पे लिखता हूं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, 14 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा था हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ द टेबल, टेबल के बाहर कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर जेड का भी हमने फाइनल नहीं किया है, तो जेड के लिए कंडीशन हमारे पास थी जेड के थर्ड लेफ्ट में लैपटॉप था, जेड के थर्ड लेफ्ट में लैपटॉप था, तो इसी वजह से जेड कहां पर देखना चाहिए था, बाहर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो जेड का फेसिंग डायरेक्शन कहां पर आना चाहिए था, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कितने लोग देख रहे हैं, एस एंड जेड वाई, बाहर की तरफ कितने लोग देख रहे हैं, तीन। तो 14 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था तीन, जो कि है ऑप्शन बी में। 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु परचेजेस वॉच, वॉच के रिस्पेक्ट में एक्स की पोजीशन क्या है, वॉच का फर्स्ट एंड सेकंड राइट। ठीक है, तो सेकंड राइट ऑप्शन है ए, 15 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन ए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। पहली इन्फॉर्मेशन वाई परचेजेस ओवन, इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन वाई सिट्स बिटवीन वी एंड यू, ये भी सही है। तीसरी इन्फॉर्मेशन वाई सिट्स अपोजिट टू एक्स, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, 16 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमें पूछा है कि इनमें से चार एक जैसे है, एक ऑड मैन आउट है। ठीक है, अगर हम सब देखते हैं तो यहां पर ये जो ऑप्शंस हमें दिए थे इनमें से ऑड मैन आउट ढूंढना था, चारों का फेस इनसाइड है, अकेले एस बाहर देख रहा है, 17 क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी। 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्या दिया है, टी इज रिलेटेड टू यू, टी का रिलेशन किसके साथ दिया है हमें, यू के साथ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे क्या दिया है, वी इज रिलेटेड टू एक्स, वी इज रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, अब यहां पर जरा देखो लेफ्ट राइट का लॉजिक लगाने जाएंगे तो लेफ्ट राइट का लॉजिक लगेगा नहीं, इस क्वेश्चन में लेफ्ट राइट का लॉजिक लगेगा नहीं क्योंकि टी का रिलेशन हमें किसके साथ बताया है, यू के साथ। ठीक है, टी इज रिलेटेड टू यू, रिलेशन क्या है, थर्ड राइट। यहां पर आगे दिया था v इज रिलेटेड टू x, x v का रिलेशन किसके साथ दिया था हमें, x के साथ, x का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट था। एक केस में राइट हो रहा है, दूसरे केस में लेफ्ट हो रहा है, यहां पे लेफ्ट राइट का लॉजिक नहीं लगेगा, यहां पर लॉजिक जो है ये गैप के ऊपर लगेगा। ठीक है, यहां पर ये लॉजिक जो है ये किसके ऊपर लगेगा, गैप के ऊपर। अब देखो हमें पूछा है y किसके साथ रिलेटेड होगा, सेम पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो y का रिलेशन किसके साथ होगा। अब लेफ्ट राइट पता नहीं है ना, तो एक दो छोड़कर ये w भी हो सकता है या फिर एक दो छोड़कर ये s भी हो सकता है। तो w s पहले और दूसरे ऑप्शन में थे पर वो मार्क नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन e, आइदर a और b। ठीक है, तो ये भी पजल ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, पर कब, जब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एक फ्लो में रिलेट हो रही हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पजल आपके स्क्रीन पर है जो हमने स्किप की थी, क्वेश्चन नंबर 26 to 30। ठीक है, यहाँ पर हमें पजल का थीम पता था, दो लाइन में लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का फेस साउथ में है, कुछ लोगों का फेस नॉर्थ में है। ठीक है, इस पजल का आगे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसके रेफरेंस के लिए कंडीशंस आपके सामने स्क्रीन पर नहीं रहेगी, आपने ये पजल पहले ही सॉल्व की हुई है तो यहाँ पर बस मैं इस पजल का डिस्कशन करूँगा। ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व करते वक्त पजल की कंडीशन स्क्रीन पर नहीं दिखेगी तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, सो स्क्रीन पर आते हैं, हमें दिया है देयर आर 10 पर्सन सिटिंग इन 2 रोज इन रो 1 ए बी सी डी ई फेसिंग टू द साउथ। रो 1 में कौन बैठता है, ए बी सी डी ई वाली सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, इनका फेस कहाँ है, साउथ की तरफ। और रो 2 में कौन बैठता है, हमें दिया है पी क्यू आर एस टी और उनका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ।
1, 2, 3, 4 and 5, ये नॉर्थ ये साउथ। और उनको कुछ एक्ट्रेस एक्टर और एक्ट्रेसेस पसंद है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है। आगे हमें दिया है, अब पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमें दिया था, टू पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड बी एंड वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। उसके तुरंत बाद पॉइंट था, सी सिट टू द राइट ऑफ बी। बी और सी के बीच में दो लोग बैठते हैं, दोनों में से कोई तो एक राइट में होना चाहिए और सी जो है बी के राइट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सी बी के राइट में होना चाहिए, यहां पर बैठेंगे मतलब इनका फेस नीचे होगा, नीचे फेस करेंगे तो इनकी राइट ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों में से कोई तो एक एंड पर, मतलब सी यहां पर होगा, दो के गैप पे बी यहां पर होगा, एक केस ये बनेगी। दूसरी केस क्या बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी केस क्या बनेगी, बी आएगा एंड पर, इस एंड पर, और सी आएगा यहां पर। ठीक है, इसमें सिर्फ यही दो केसेस बनेगी और केसेस नहीं बनेगी, क्योंकि सी जो है बी के राइट में होना चाहिए था। ठीक है, आगे हमें पॉइंट दिया था, द वन हु लाइक सलमान इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस बी। जिसको सलमान पसंद है वो जो बी को फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर है। पॉइंट का मतलब समझो, बी को जो फेस करेगा, बी को जो फेस करेगा, इसका इमीडिएट नेबर कौन होना चाहिए, जिसको सलमान पसंद है। ठीक है, अब इसका इमीडिएट नेबर तो एक ही है, तो इसका मतलब सलमान इसको पसंद होना चाहिए था। यहां पर देखते हैं, बी को फेस कौन कर रहा है, ये, इसका इमीडिएट नेबर को क्या पसंद होना चाहिए था, सलमान। अब यहां तो दो इमीडिएट नेबर है, सलमान यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ठीक है, तो एक केस में सलमान यहां पर ले लेंगे और दूसरी केस में सलमान यहां पर। ठीक है, अभी तुरंत केस नहीं बनाएंगे, जब तक सलमान की वजह से दूसरे किसी चीज का कंफ्यूजन नहीं होता है तब तक हम केस नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये क्यों बना ली, क्योंकि ये एकदम स्टार्टिंग में आ गई थी। ठीक है, ये कंफ्यूजन एकदम स्टार्टिंग में ही अराइज हुआ था। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट हमें दिया है, एस लाइक्स दिशा एंड टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड आर। एस को कौन पसंद है, एस को पसंद है दिशा, और एस और आर के बीच में कितने लोग बैठते हैं, दो लोग बैठते हैं। क्यू फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी का लेफ्ट, सी नीचे देख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर जो भी बैठेगा सी के सेकंड लेफ्ट में जो भी बैठेगा उसको कौन फेस करता है, क्यू। ठीक है, सी के सेकंड लेफ्ट में जो भी बैठता है उसको फेस कौन करता है, क्यू। ओके, आगे, द वन हु लाइक्स राजकुमार फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। पॉइंट है, द वन हु लाइक्स राजकुमार फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। क्यू के इमीडिएट राइट में जो बैठता है उसके सामने जो बैठता है उसको राजकुमार पसंद है। पॉइंट क्या था हमारे पास, क्यू के इमीडिएट राइट में जो बैठता है उसके सामने जो बैठेगा उसको राजकुमार पसंद होना चाहिए था। क्यू का इमीडिएट राइट, उसके सामने क्या आना चाहिए था, राजकुमार, जिसको पसंद है वो वाला। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे हमें दिया है, द वन हु लाइक्स दिशा सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस बी। जिसको दिशा पसंद है वो कहां पर बैठता है, जो बी को फेस करता है उसके सेकंड लेफ्ट में। देखते हैं, बी को फेस ये वाला करेगा, इसका सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट यहां पर कौन आना चाहिए था, एस, क्योंकि एस को पसंद है दिशा। ठीक है, एस और आर के बीच में दो, आर यहां जाएगा नहीं, दो छोड़कर आर यहां पर। यहां पर चेक करते हैं, बी को ये फेस करता है, फर्स्ट सेकंड यहां पर कौन आना चाहिए था, एस, एस को क्या पसंद होनी चाहिए थी, दिशा। आर यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, ये केस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, वो केस कैंसिल क्यों हो गई, क्योंकि वहां पर आर के लिए जगह नहीं थी, तो यहां पर ये चीजें ऐसे सॉर्ट आउट हो गई। आगे देखते हैं क्या दिया है, ए हु लाइक्स रणवीर एंड वन हु लाइक्स दिशा फेसेस ईच अदर। ए को रणवीर पसंद है और जिसको दिशा पसंद है वो क्या है, आमने सामने बैठते हैं। पॉइंट एकदम क्लियर है, क्यू डज नॉट लाइक अक्षय एंड अनुष्का। यहां पर जो है कौन कौन नहीं आने चाहिए, अक्षय भी नहीं आना चाहिए और अनुष्का भी नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि पास अक्षय और अनुष्का दोनों में से कोई भी नहीं आना चाहिए, यह पॉइंट था। वन हु लाइक्स आमिर एंड वन हु लाइक्स कैटरीना फेस ईच अदर। आमिर और कैटरीना एक दूसरे को फेस करते हैं। यहां पर देखने जाएंगे आमिर कैटरीना यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, ये पॉइंट हम साइड में नोट डाउन करते हैं। आमिर और कैटरीना को पसंद करने वाले एक दूसरे के सामने होने चाहिए। सी डज नॉट लाइक आमिर। सी को कौन पसंद नहीं है? सी को आमिर पसंद नहीं है, मतलब यहां पर आमिर नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ई हु डज नॉट फेस आर। डी और ई के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, ई हु डज नॉट फेसेस आर। आर के सामने ई नहीं आना चाहिए। ई कहां पर आ जाएगा? यहां पर। डी कहां पर आ जाएगा? यहां पर। डी और ई सॉर्ट आउट, ठीक है। आगे दिया है टू पर्सन्स सिट बिटवीन पी एंड वन हु लाइक्स श्रद्धा, ठीक है। पी और जिसको श्रद्धा पसंद है उनके बीच में दो लोग बैठते हैं, और आगे इसमें कुछ दिया है का श्रद्धा हु डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। श्रद्धा एक्सट्रीम, जिसको श्रद्धा पसंद है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठता। यहां पे श्रद्धा नहीं आनी चाहिए, दो लोग छोड़कर आने चाहिए, मतलब पी और श्रद्धा दोनों इसी प्लेस पे आने चाहिए थे, क्योंकि दो लोग छोड़कर हमारे पास कोई और पॉसिबल केस नहीं बनता है। श्रद्धा एंड में नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब एंड में कंपलसरी कौन होना चाहिए था? पी होना चाहिए था। दो प्लेसेस छोड़कर यहां पर कौन आना चाहिए था? श्रद्धा, ठीक है। तो श्रद्धा भी फाइनल हो गई। आगे देखते हैं द वन हु लाइक्स अक्षय फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स अनुष्का। पॉइंट दिया है जिसको अक्षय पसंद है, ठीक है, वो सेकेंड लेफ्ट में बैठता है किसके? द वन हु लाइक्स अक्षय फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनुष्का। पॉइंट क्या है? जो अनुष्का के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है, अनुष्का का फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट, उसके सामने कौन आना चाहिए? अक्षय, ठीक है। अब अक्षय कहां कहां पर ले सकते हैं? देखो, अक्षय हम यहां पर ले सकते थे, ठीक है, पर उस केस में अनुष्का कहां पर आनी चाहिए थी? अनुष्का यहां पर आनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि अनुष्का का सेकेंड लेफ्ट यहां पर हो जाएगा। नहीं, ये अभी यहां पे जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है उसको कट करना है, ठीक है। ये डिस्कशन यहां से आगे कंटिन्यू होगा, अभी जो डिस्कस किया है वो यहां से आगे कंटिन्यू होगा। अब हमें यहां पर आखिरी पॉइंट में दिया है आर को अनुष्का पसंद नहीं है, अनुष्का यहां पर नहीं आ सकती, ठीक है। सलमान के लिए हमारे पास एक ये पॉसिबल केस थी। अब देखो यहां पर, अब अक्षय और अनुष्का का पॉइंट हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पॉइंट का मतलब था अनुष्का के सेकेंड लेफ्ट में जो बैठता है उसके सामने अक्षय आना चाहिए था। अनुष्का कहां कहां पर आ सकती है? देखो, अनुष्का अगर हम यहां पर लेते हैं तो अनुष्का का सेकेंड लेफ्ट ई हो जाता, इसके सामने अक्षय यहां पे आना चाहिए था, पर अलाउड नहीं है, अनुष्का यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। अनुष्का यहां पर देखते हैं, अनुष्का यहां पर लेंगे तो उसका सेकेंड लेफ्ट डी हो जाएगा, ठीक है, और उसके सामने कौन आना चाहिए था? अक्षय। अक्षय यहां पर आ सकता है, मतलब अनुष्का यहां पर, अक्षय यहां पर पॉसिबल है। यहां पर अनुष्का लेंगे तो उसका लेफ्ट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में अनुष्का को सिर्फ यहां लिया जा सकता है। नीचे वाली लाइन में चेक करते हैं, नीचे वाली लाइन में अनुष्का को अगर हम यहां पर लेते हैं तो उसका सेकेंड लेफ्ट हमें मिल सकता है क्या? नहीं, अनुष्का यहां नहीं आएगी, अनुष्का यहां अलाउड नहीं है, अनुष्का यहां अलाउड नहीं है। इसका मतलब अनुष्का फाइनल हो गई, अनुष्का यहां पर आ जाएगी, इसका सेकेंड लेफ्ट, उसके सामने कौन आ जाएगा? अक्षय आ जाएगा। सलमान यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि अक्षय आ गया, तो यहां पर कौन आना चाहिए था? सलमान आना चाहिए था, ठीक है। बची है आमिर कैटरीना की जोड़ी, आमिर और कैटरीना यहां पर आने चाहिए फाइनल, अब एक ही प्लेस बची है। इसमें से भी आमिर यहां पर नहीं, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? कैटरीना, और यहां पर कौन आना चाहिए था? आमिर। तो ये मिलता है हमें इस चीज का सॉल्यूशन। यहां पर एक पर्सन बचता है, और वो पर्सन जो भी बचता है वो कौन है? टी, ठीक है, ओके। इसमें एक ही अब एक्ट्रेस बची है, इसमें एक एक्ट्रेस कौन बची है? तमन्ना, तो तमन्ना आ जाएगी यहां पर। ये मिल गया हमें हमारे पजल का सॉल्यूशन। अब
इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने की जरूरत है। हम एक जो पजल हमने आखिरी में स्किप की थी वो एक पजल देखते हैं, फिर हमारा सारे के सारे 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है? चलो, यहां पर ये आखिरी पजल हमने स्किप की थी, पजल आपके सामने है, ठीक है? अब हम इस पजल को सॉल्व करने वाले हैं। पजल का थीम क्या है? कॉलम बेस्ड अरेंजमेंट। एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग दी है हमें, जिसमें कुछ बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ लंच या डिनर जो कुछ भी है कर रहे हैं, ठीक है? डिनर कर रहे हैं, चलो ठीक है। सर स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कंडीशन की स्लाइड दिखाना, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बेस बना लेते हैं हम। क्या था? 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कुछ बॉयज और गर्ल्स साथ में यहां पर क्या कर रहे हैं? हर फ्लोर पे डिनर कर रहे हैं। बॉयज यहां पर लेंगे, गर्ल्स यहां पर लेंगे, ठीक है? बॉयज कौन कौन से दिए थे हमें? ABCDE वाले बॉयज दिए थे, एंड PQRST UV वाली कौन थी? गर्ल्स थी, ठीक है? अब हम कंडीशंस देखते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। पहला पॉइंट हमें दिया है, क्यू हैविंग डिनर जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच आर हैज डिनर। क्यू डिनर कहां पर कर रहा है? जस्ट उस फ्लोर के ऊपर जहां पर आर डिनर कर रहा है। आर के तुरंत ऊपर कौन होना चाहिए था? क्यू, पहला पॉइंट था, ठीक है? आर हु हैविंग डिनर अबव द फ्लोर ऑन विच ए हैज डिनर, ठीक है? आर का जो डिनर का फ्लोर है, ये फ्लोर नंबर जो है ए के ऊपर होना चाहिए था, ठीक है? यहां पर इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, आर के तुरंत ऊपर क्यों होना चाहिए था, और आर हु हैज डिनर अबव द फ्लोर ऑन विच ए इज हैविंग डिनर, ठीक है? ये मतलब था इस पॉइंट का। मोर देन टू फ्लोर्स गैप बिटवीन द फ्लोर ऑन विच आर हैज डिनर एंड द फ्लोर ऑन विच द वन हु हैज डिनर, ठीक है? एफ और आर के बीच का हमें गैप दिया है। एफ और आर के बीच में हमें गैप कितना दिया है? मोर देन टू। मतलब F और R के बीच में दो से ज्यादा फ्लोर आने चाहिए। दो से ज्यादा मतलब कम से कम तीन। दो से ज्यादा का मतलब कम से कम तीन, ठीक है? आगे देखो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच B हैज डिनर एंड द फ्लोर ऑन विच वन हु हैविंग डिनर विद R, ठीक है? B और R के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है, इन शॉर्ट आर के साथ, यानी यहां पर एक साथ ही है ना, तो आर के साथ जो भी होगा उसी का फ्लोर नंबर आर होगा, ठीक है? तो आर और बी के पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है? बी के और उस पर्सन के बारे में जो आर के साथ डिनर कर रहा है, ठीक है? आर के साथ डिनर कर रहा है मतलब आर के फ्लोर पे ही कर रहा होगा। इन शॉर्ट, बी एंड आर के बीच में जितने फ्लोर्स है, ठीक है, इज सेम एज द फ्लोर ऑन विच डी हैविंग डिनर एंड द फ्लोर ऑन द वन हु हैविंग डिनर विथ टी। ये जो है, ये गैप किसके बराबर होना चाहिए था? डी और टी के बराबर, ठीक है? इन शॉर्ट इसका मतलब यही था, थोड़ा सा बस पॉइंट को कॉम्प्लिकेटेड किया था। आर और बी के बीच में जितने फ्लोर्स है उतने ही फ्लोर्स कहां पर होने चाहिए थे? डी एंड टी के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। नेक्स्ट स्लाइड हमारा पहला पॉइंट है, द फ्लोर ऑन विच वी हैज डिनर इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच एस हैज डिनर, ठीक है? पॉइंट क्या है? वी जिस फ्लोर पे डिनर कर रहा है वो फ्लोर एस के जस्ट ऊपर है। ये पॉइंट था हमारा, ठीक है? आगे हमें दिया है, एस एंड सी डू नॉट हैव डिनर टूगेदर। एस और सी जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। एस और सी एक साथ नहीं आने चाहिए। आगे देखते हैं, पी एंड एफ Having dinner together. P और F जो है वो dinner क्या कर रहे हैं? Not having dinner together. P और F जो है वो एक साथ dinner नहीं करते। P और F एक साथ नहीं आने चाहिए थे। ये हमारा point था। आगे देखते हैं, P having dinner on odd number floor and below the floor on the one having dinner with E but not immediate below. Point क्या है? देखो, ये point किसके बारे में जानकारी दे रहा है? P के बारे में। पी का फ्लोर नंबर कौन सा होना चाहिए था? पी का फ्लोर नंबर होना चाहिए था ऑड, ठीक है? किसके नीचे होना चाहिए था? ये ई के नीचे, पर ई के तुरंत नीचे नहीं, ठीक है?
ई के तुरंत नीचे नहीं, मतलब ई और पी के बीच में कम से कम एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, ठीक है। पी ऑड नंबर पे फ्लोर पे रहता है और वो ई के नीचे है। पॉइंट इतना सा ही सिंपल है, बस इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है। ई के नीचे पी ऑड नंबर फ्लोर पे। आगे दिया है बट नॉट इमीडिएट बिलो, ये पॉइंट हमने कंसिडर किया है। सो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। आगे दिया है जी एंड पी हैविंग डिनर टुगेदर, जी और पी जो है वो एक साथ डिनर करते हैं। मोर देन टू फ्लोर्स गैप बिटवीन ऑन विच सी हैविंग डिनर एंड द फ्लोर ऑन विच ई हैविंग डिनर, ठीक है। ई और सी के बीच का गैप हमें दिया है, यहां पर ई हमारे पास ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है। तो ई और सी के बीच में गैप कितना आना चाहिए था, दो से ज्यादा फ्लोर पर आना चाहिए था, ठीक है। हु हैविंग डिनर अबव द फ्लोर ऑन विच सी हैज डिनर, तो ई का फ्लोर जो है वो कहां पर आना चाहिए था, सी के ऊपर आना चाहिए था, ई सी के ऊपर वाले फ्लोर पर आना चाहिए था, ये बात हमें यहां पर दी है, ठीक है। आगे हमें दिया है ए हैज हिज डिनर ऑन फोर्थ फ्लोर, ए कौन से फ्लोर पे डिनर करता है, फोर्थ फ्लोर पे। अब जाके हमें एक कंफर्म पॉइंट मिला है, इसमें से कोई भी पॉइंट अगर हम रिलेट करने जाते तो केस बहुत ज्यादा बनती, ठीक है। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन बस नोट डाउन की है क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बनेगी यहां पर, तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हम यहां पर ये इसको ऐसे नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड दिखाना प्लीज। टू फ्लोर्स गैप बिटवीन ए एंड द फ्लोर ऑन विच टी इज हैविंग डिनर, ठीक है। ए और टी के बीच में दो फ्लोर का गैप होना चाहिए, या तो इसका मतलब टी यहां पर आना चाहिए था या दो छोड़कर टी यहां पर आना चाहिए था, दो केसेस बनती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसमें दो केसेस हम तुरंत बना लेते हैं, ठीक है। आगे ज्यादा कंफ्यूजन को एक्सटेंड नहीं करेंगे। एक कंफर्म पॉइंट मिला था हमें यहां पर और उससे जुड़ी हुई थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली आगे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। तो एक केस में टी यहां पर लेते हैं, दूसरे केस में टी यहां पर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया है हमें, ई डज नॉट हैव हिज डिनर ऑन ऑड नंबर फ्लोर, ई का डिनर ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है। ई का डिनर कौन से फ्लोर पर होना चाहिए था, इवन नंबर फ्लोर पर। सी डज नॉट हैव डिनर ऑन फर्स्ट फ्लोर, सी डिनर कौन से फ्लोर पर नहीं करता है, फर्स्ट फ्लोर पे, यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर सी नहीं आना चाहिए, ठीक है। सारी पजल पढ़ ली हमने यहां पर, यहां पर सारी की सारी कंडीशन हमारे पास रफ में ही है, बेस हमारा अभी भी खाली पड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में कौन सी कंडीशन पिक करनी है, जिस कंडीशन से रिलेटेड ज्यादा जानकारी हो उस कंडीशन को पिक करो। देखो ई से लेकर सी जुड़ा हुआ है, ई से लेकर पी जुड़ा हुआ है, पी से एफ जुड़ा हुआ है, पी से जी जुड़ा हुआ है, तो ई को अगर हम चूज करते हैं तो यहां पर बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, तो ई से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमें पिक करनी चाहिए थी। ई का फ्लोर नंबर E1, ध्यान से सुनना इंफॉर्मेशन क्या क्या थी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए थी। ई इवन नंबर फ्लोर पे, उसके नीचे ऑड नंबर फ्लोर पे पी, पर तुरंत नीचे नहीं। तुरंत नीचे नहीं मतलब ई को हम दूसरे पे नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे पे ले लिया तो इसके तुरंत नीचे ही पी को लेना पड़ेगा, तो ई दूसरे पे नहीं आएगा, चौथे पे नहीं आएगा। ई कन्फर्म कौन से फ्लोर पर आएगा, ई कन्फर्म सिक्स्थ फ्लोर पर आएगा। इस केस में यहां पर देखो, यहां पर भी सेम, यहां पर नहीं ले सकते, यहां पर नहीं, इस केस में भी ई कन्फर्म कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। अब ई के नीचे ऑड नंबर फ्लोर कौन कौन से है, पांच है, तीन है, एक है। इनमें से पांच और तीन पे पी को ले सकते हैं क्या, ले, पांच पे नहीं ले सकते क्योंकि तुरंत नीचे नहीं होना चाहिए, तो पी यहां पर नहीं आएगा, पी आएगा तो तीन पे आएगा या फिर एक पे आएगा। इतनी बात तो क्लियर है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास पॉइंट है ई और सी के बीच में दो से ज्यादा लोग होने चाहिए थे और सी ई के नीचे होना चाहिए था। ई और सी के बीच में दो से ज्यादा लोग, सी ई के नीचे, ई के नीचे एक दो तीन, दो से ज्यादा मतलब कम से कम तीन लोग होने चाहिए, दो से ज्यादा मतलब कम से कम तीन लोग, एक दो तीन। अब यहां पर या यहां पर, सी के लिए नीचे बस दो ही जगह बचती थी, उसमें से भी सी यहां पर नहीं आना है तो सी भी कंफर्म हो जाता है, सी यहां पर आ जाएगा, उसी तरीके से सी यहां पर कंफर्म हो जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने रिलेट कर दी, इसके बाद थोड़ा सा मेजर चंक देखते हैं। यहां पर कॉमन क्या मिलता है हमें, क्यू आर, आर के तुरंत ऊपर क्यू चाहिए। एक पॉइंट और क्या है, एस के तुरंत ऊपर वी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पर,
अब यहां पर क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं? ए के ऊपर आर एंड क्यू चाहिए था, ए के ऊपर दो ही जगह बची है, इस केस में आर एंड क्यू क्या हो जाएंगे? फाइनल हो जाएंगे, ठीक है? इस केस में आर एंड क्यू फाइनल हो गए। इस केस में आर क्यू यहां पर ले सकते हैं या फिर आर क्यू यहां पर ले सकते हैं। यहां पर आर क्यू के लिए हमारे पास दो केसेस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था वी और एस के लिए हमारे पास पॉइंट था। वी और एस कहां पर ले सकते हैं? वी और एस यहां पर ले सकते हैं, वी और एस यहां पर ले सकते हैं, वी और एस यहां पे नहीं ले सकते। बाय द वे वी और एस यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि सी और एस साथ में नहीं था, ठीक है? तो वी और एस यहां नहीं आएगा। वी और एस या तो यहां पर आ सकता है, वी और एस या तो यहां पर आ सकता है या यहां पर आ सकता है। यहां पर आ सकता है क्या, जरा चेक करो। वी और एस यहां पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मान लो वी और एस हमने यहां पर ले लिया, मान लो, ठीक है? अगर वी और एस हम यहां पर लेते हैं तो Q और R कहां पर लेंगे? कंजुगेटिव फ्लोर पे, तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है? तो V और S के लिए हमारे पास पॉसिबल केसेस कौन से? इसके ऊपर भी नहीं जा पाएगा क्योंकि इसके ऊपर ले लिए तो Q और R नहीं आ पाएंगे। तो V और S के लिए पॉसिबल प्लेस हमारे पास कौन सी है? ये S, ये V एक पॉसिबल केस थी, दूसरी S, V दूसरी पॉसिबल केस थी, ठीक है? ये दोनों भी पॉसिबल केसेस हमें यहां पर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखो, मान लो S हमने यहां पर ले लिया और V यहां पर ले लिया। सपोज S हम यहां पर लेते हैं, V यहां पर लेते हैं, तो क्या सिचुएशन बनती है? देखो, हमारे पास एक पॉइंट था E के नीचे P ऑड नंबर फ्लोर पे होना चाहिए। E के नीचे ऑड नंबर कौन कौन से थे? पांच पे तो नहीं ले सकते थे, तीन और एक पे ही ले सकते थे। P ना तो यहां ले सकते हैं ना यहां ले सकते हैं, ठीक है? तो इस केस में S और V यहां पर नहीं आएंगे, P यहां पर कंफर्म आ जाएगा और G यहां पर कंफर्म आ जाएगा, ठीक है? इस केस में वी एस यहां पर ले सकते, यहां नहीं ले सकते थे, तो यहां पर वी और एस फाइनल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर क्यू और आर के लिए जगह नहीं बचेगी। अब जो बची है किसके लिए बची है? क्यू और आर के लिए, ठीक है? इनमें आखिरी एक ही पर्सन बचा है, वो बचा है यू, ठीक है? तो यहां पर ये कौन आ जाएगी? यू। इस केस में वी और एस के लिए पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, ठीक है? वी और एस यहां पर नहीं ले सकते, यहां पर एस सी के साथ नहीं आएगा, तो एस और वी आएंगे तो यहां पर आएंगे, नहीं तो एस और वी आएंगे तो यहां पर आएंगे, ठीक है? तो यहां पर ये दो केसेस बनती है, ये दोनों भी केसेस हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो चेक करते हैं। शिट, अब कंसिडर करो यहां पर मान लो हम यहां पर किसको लेते हैं? हम यहां पर लेते हैं एस को और यहां पर लेते हैं वी को, ठीक है? हम चेक कर रहे हैं, यहां पर हमने किसको लिया? एस को लिया, यहां पर लिया वी को। क्या क्या पॉसिबल होता है देखो। इस केस में जी यहां पर आ जाएगा, पी यहां पर आ जाएगा, ठीक है? अगर एस और वी हमने यहां पर ले लिए तो जी यहां पर आ जाएगा, पी यहां पर आ जाएगा, ठीक है? ऊपर देखते हैं अब क्या सिनारियो है। एफ और आर के बीच में दो से ज्यादा लोग होने चाहिए थे, आर यहां पर है, ठीक है? F कहां पर आना चाहिए था? देखो, दो से ज्यादा लोग ऊपर तो जा नहीं सकता, एक दो से ज्यादा लोग मतलब F यहां पर कहां तो आना चाहिए था? F यहां पर आ सकता है क्या? अभी नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? तो एक दो कम से कम तीन लोग, इसका मतलब यहां पर कौन आना चाहिए था? F आना चाहिए था, ठीक है? अब E के नीचे ऑड नंबर जिसके साथ G और P लिया जा सकता था वो सिर्फ तीन बचा है, इसका मतलब G यहां पर, P यहां पर आ जाएगा, ठीक है? तो अगर G, P यहां पर आ गए तो V और S के लिए हमें सिर्फ यही एक जगह मिलेगी, ठीक है? अब बचा कौन कौन है देखो, हमें हमारे पास कंडीशन बची है F और B की, हमारे पास कंडीशन बची है F और B की। क्या कंडीशन है वो रिलेट कर दी, बी आर एंड डी टी। बी और आर में जितने हैं उतने ही डी और टी में होने चाहिए, ठीक है? तो बी और R यहां पर, B यहां पर, D ऐसे अगर लेंगे तो D और T के बीच में एक है, B और R के बीच में भी एक है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आखिरी आता कौन है? U। तो U अगर हम रख देंगे तो ये भी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। यहां पर चेक करते हैं हमें क्या सिनारियो मिलता है। यहां पर R और F में दो से ज्यादा चाहिए थे, एक दो तीन, F कंपलसरी कहां पर आना चाहिए था इसमें? F यहां पर आना चाहिए था, ठीक है? अब यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं।
आर और बी के लिए, बी और डी के लिए दोनों में तो यही जगह बची है, इसमें से बी और डी कहां पर भी ले ले, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है क्या हमारे पास? नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमें हमारे पजल का सॉल्यूशन मिल जाएगा पूरे पेपर में, ठीक है। सॉल्यूशन तो मिल गया है हमें, पजल का सॉल्यूशन मिल गया है, इसके ऊपर जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे थे आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा पेपर एकदम आसान था, और इसीलिए ये सवाल हमने थोड़ा सा लास्ट में टैकल किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पजल पढ़ने के बाद आपको अंदाजा आना चाहिए कि उसमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कितनी है, और ये अंदाजा आपको तभी आ सकता है जब आपको चीज़ें थोड़ी सी ओरली टैकल करने की आदत हो, आपने पजल्स बहुत सारे सॉल्व किए हो, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच प्रैक्टिस से डेवलप होता है, ठीक है, ये अप्रोच प्रैक्टिस से डेवलप होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आइडिया स्कैन करने के बाद हमें यहाँ पर आना चाहिए था कि इसमें केसेस बहुत ज़्यादा बनेगी और इस पजल को हमें आखिरी में टैकल करना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप आप सभी का अप्रोच और क्वेश्चन का सिलेक्शन ऐसा ही रहा होगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अगर इन केस हम इस पजल को पहले टैकल करते हैं, तो समझ रहे हो यहाँ पर कितना टाइम गया, ठीक है। इस पजल को अगर हम पहले टैकल करते तो ये पजल बहुत हमें सरदर्दी दे सकती थी, ठीक है। तो इस पजल को आखिरी में रखना ज़्यादा बेहतर था, अगर टाइम बचता तो डेफिनेटली टैकल करते, नहीं बचता तो भी हम जो हमें आता था वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होते, ठीक है। तो जो आपने अप्रोच लगाया है और जो आपको यहाँ से अगर आपके अप्रोच में कुछ अपडेशंस करने की ज़रूरत महसूस होती है तो अपडेशंस ज़रूर करना, ठीक है, और एक दो मॉक्स और दे के ट्राई करना एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके, ठीक है। तो ये जो आपका मॉक हुआ था ये सारा उसी का डिस्कशन था के, तो चलो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड एग्जाम। थैंक यू।